गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से भी क्लास बीच में थोड़ी डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट हमने लेक्चर शुरू ही किया था अभी। पॉलिटी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या कंटेंट रहेगा इसमें, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, इसका बैकग्राउंड क्या था। दूसरा फिर हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करेंगे हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, हमारा संविधान दुनिया में क्यों बड़ा अलग माना जाता है, क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर विशेषताएं क्या हैं संविधान की। उसके बाद हम बात करेंगे नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारे, कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट के बाद फिर हमारा डिस्कशन होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान बनाने वालों की सलाह कि भविष्य में जो लोग आएंगे वो किस तरह से निर्णय लें, किस तरह से वो वर्क करें इस पर। तो सजेशन है एक प्रकार का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिशा निर्देश या सजेशन कि जो आने वाले लोग होंगे वो किस तरह से वर्क करें, किस तरह से काम करना है, एक दिशा निर्देश। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोला जाता है, शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी। इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट, नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं, तो फिर संविधान में नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी कि आपकी जिम्मेदारी क्या है नागरिक के तौर पर। अधिकार मिले हैं तो आपके कर्तव्य भी तो होने चाहिए कि बस फायदा फायदा मिले और कर्तव्य कुछ ना हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको अधिकार तो मिले हैं संविधान में, फंडामेंटल राइट्स, तो नागरिक के तौर पर आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। ये संविधान में बाद में जोड़ा गया था, शुरू में संविधान जब बना था तब फंडामेंटल ड्यूटी नहीं लिखा था, बाद में जोड़ा गया था ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर संविधान के बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह देखेंगे, फिर संविधान की विशेषताएं क्या हैं, क्यों हमारा संविधान बड़ा यूनिक है, नागरिकों के अधिकार क्या हैं, संविधान बनाने वालों की सलाह क्या थी कि आगे जो लोग वर्क करें वो किस तरह से, किस दिशा में काम करें, ये सजेशन है। और नागरिकों के कर्तव्य कि आप देश के नागरिक हैं तो देश के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ तक कवर करेंगे। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में वो आ जाते हैं जो देश को चलाते हैं लॉ की मदद से, जो देश को चलाते हैं लॉ की मदद से वो एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, जो लॉ की मदद से देश को चलाते हैं कार्यपालिका, वो सब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। आगे हम देखेंगे इसमें कौन कौन आएगा। देश को चलाने वाले जो आपको लगता है कि ये कंट्री को चलाते हैं, रूल करते हैं, तो लॉ की मदद से कंट्री को जो रूल करता है वो सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। पर लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, जुडिशियरी नहीं, लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर, इसको हिंदी में कहते हैं विधायिका। लॉ बनाने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ की मदद से देश को चलाना, पर लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है। तो पार्लियामेंट जैसे आप कहेंगे, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, पार्लियामेंट किसका हिस्सा है, लेजिस्लेचर का। प्रधानमंत्री या मंत्री देश को चलाना, वो किसका हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का। अभी बस हम जिस सीक्वेंस में बढ़ेंगे आगे वो देख लो, पहले क्या क्या चीजें आएंगी। इंट्रोडक्शन आएगा, फिर संविधान का बेसिक, फिर विशेषताएं क्या हैं, नागरिकों के अधिकार क्या हैं, संविधान बनाने वालों की सलाह क्या है, नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, एग्जीक्यूटिव देश को चलाने वाले कानून की मदद से, एग्जीक्यूटिव कानून को बना नहीं रहा है, कानून की मदद से देश को चला रहा है, कानून
कानून बनाने की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर की है, जैसे कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो पूरे देश के लिए है। स्टेट के पास, राज्यों के पास अपनी लेजिस्लेचर होती है। यहां मैं यूनियन लेजिस्लेचर की बात करता हूँ, केंद्रीय विधायिका। तो केंद्र में देश के लिए लॉ बनाने की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की, देश के लिए लॉ बनाने की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की। ऐसे ही स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर होती है, विधानसभा, कहीं कहीं विधान परिषद भी होती है। अभी कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी ना पता हो आपको, एमपी एमएलए भी ना पता हो, उसके चक्कर में पड़ो। अभी बस कंटेंट क्या क्या डिस्कशन हमारा कैसे होगा ये लिखो। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बाद हम पढ़ेंगे जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर हैं, हाई कोर्ट किस तरह से निर्णय करता है। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा यूनियन जुडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव के बाद लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के बाद जुडिशियरी, ये लिख लिया है। इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक्स, फिर फीचर, फिर फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, फिर ड्यूटी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कैग। कई बार आपने सुना होगा कैग ने ऑडिट किया, कैग ने ऑडिट करके रिपोर्ट जमा किया, बाद में पता लगा करप्शन हुआ था, कॉमनवेल्थ, 2G स्कैम, जो ये सब आपने सुने। तो सीएजी, सीएजी आप कई बार सुनते हैं न्यूज में, इसका क्या काम है? सीएजी के साथ साथ एक होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है सरकार का वकील, जो केंद्र सरकार को कोर्ट में डिफेंड करने का काम है जिसका। तो सीएजी और अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे। सीएजी का काम अलग है, अटॉर्नी जनरल काम अलग है। सीएजी का काम होता है जहां भी जनता का पैसा इन्वॉल्व है उसकी ऑडिट करना। जनता का पैसा गवर्नमेंट जहां भी यूज कर रही है उसकी ऑडिट करने का काम है सीएजी का। जबकि अटॉर्नी जनरल होता है सरकार का वकील, केंद्र सरकार का वकील, जो कोर्ट में उसको डिफेंड करे। कई बार केंद्र सरकार के मामले भी कोर्ट में जाते हैं तो उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। तो सीएजी, इसका काम है ऑडिट करना, सीएजी का काम है ऑडिट करना। अटॉर्नी जनरल जो है वो केंद्र सरकार का वकील होता है। इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें स्टेट के बारे में पढ़ना है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसके बाद हमारा डिस्कशन होगा इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करती है। इलेक्शन कमीशन, फिर हमें स्टेट लेजिस्लेचर किस तरह से वर्क करती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत म्यूनिसिपलिटी, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे उसी में आ जाएगा। ये टॉपिक्स हमारे डिस्कस होंगे, पंचायत म्यूनिसिपलिटी वगैरह उसी में आ जाएगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसके बाद जो संविधान में शेड्यूल्स लिखे हैं, शेड्यूल्स, कौन सा शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, पंचायत म्यूनिसिपलिटी शेड्यूल में भी आएगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बना था आज तक वैसा ही है, उसमें अमेंडमेंट्स भी होते रहे हैं। और मिसलेनस में आपका लोकपाल, लोकायुक्ता, ये सब आपका मिसलेनस में आ जाएगा। ये डिस्कशन करने हैं हम। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, उसके बाद सीएजी, फिर अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, स्टेट के बारे में, गवर्नर कैसे काम करता है, स्टेट की विधानसभा कैसे काम करती है, विधान परिषद, फिर शेड्यूल्स, अमेंडमेंट संविधान में जो हुए, और मिसलिनस, ये सब हमें डिस्कशन करना है इसमें। लिख लिया। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? देखो, शुरुआत यहां से होती है। कुछ हिस्ट्री की चीजें, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल में बात होगी, पर आपको यह तो मालूम है कि हम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा, हम पर रूल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो आए तो थे ट्रेड करने के लिए, पर ट्रेड करते करते धीरे धीरे पूरा कंट्री ही कब्जा कर लिया इन्होंने। आए थे ट्रेड करने के लिए और ट्रेड करते करते पूरा कंट्री कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी एक्सप्लॉयटेशन किया, बहुत अत्याचार किया, और ट्रेड करने आए थे, ट्रेड करते करते पूरा कंट्री इन्होंने कैप्चर कर लिया। 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ये भी सभी को मालूम है। कुछ पता हो ना पता हो, ये पता है कि सर 1857 का विद्रोह तो हमने सुना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर रूल करती थी, काफी एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने किया, ट्रेड करने आए और ट्रेड करते करते पूरा कंट्री कब्जा कर लिया।
तो कई सारी शिकायतें लोगों में बढ़ती गई, जो लोकल किंग्स थे वो परेशान, जो ट्रेडर थे वो परेशान, जो मास था वो परेशान, पब्लिक परेशान। तो वो सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट का नतीजा था 1857 का रिवोल्ट। एक मैं ओवरव्यू बताऊं तो 1857 का रिवोल्ट किसके अगेंस्ट में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में? इसके अगेंस्ट में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में 1857 का रिवोल्ट हुआ था। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया, इसको दबा दिया, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज रिवोल्ट नहीं था। अलग अलग सेंटर बने हुए थे रिवोल्ट पे और हर कोई अपने अपने एरिया की लड़ाई लड़ रहा था। झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह, तो मतलब अलग अलग स्कैटर्ड था, ये कोई ऑर्गेनाइज रिवोल्ट नहीं था। तो ब्रिटिशर ने इसको सप्रेस कर दिया और बहुत चालाक लोग थे, उनको पता था कि दोबारा ऐसा कोई फ्यूचर में रिवोल्ट ना होने पाए, फ्यूचर में दोबारा ऐसा कोई रिवोल्ट ना होने पाए और लोग कंपनी से नाराज हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया, कंपनी के रूल को एंड करके 1858 का एक कानून पास किया, 1858 का एक एक्ट पास किया और इंडिया में शुरू हो गया डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन। मतलब अंग्रेज इतने चालाक थे कि कंपनी ने गलत किया है, लोग उसका विरोध किए तो कंपनी को हटाए और खुद बैठ गए। तो चाहे ये आए ये आए, भाई दोनों ही तो विदेशी थे, ये कंपनी भी तो इन्हीं की थी, इन्होंने ही तो भेजा था कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी, रिवोल्ट हुआ, तो इन्होंने तरीका निकाला कि कंपनी से लोग नाराज हैं तो कंपनी को हम सप्रेस कर दें, कंपनी के रूल को खत्म करके अपना रूल शुरू कर दें। तो डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन शुरू हो गया, जो वहां की रानी राजा हैं वही हमारे भी रानी राजा हो गए, हम ब्रिटिश कॉलोनी सीधे क्राउन के अंडर में आ गए, क्राउन का रूल हो शुरू हो गया। तो 1858 का जो कानून बना, हम सीधे आ गए क्राउन के अंडर में। और ब्रिटेन की इंडिया सिर्फ अकेले कॉलोनी था ऐसा नहीं है, 50 से ज्यादा कॉलोनीज थी। आपने एक वर्ड सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है वो उन्हीं कंट्रीज का ग्रुप है ज्यादातर जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे, दो तीन कंट्री छोड़कर। कॉमनवेल्थ में जितने कंट्री खेलते हैं, दो तीन कंट्री को छोड़कर बाकी वही कंट्री हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे, 50+ के लगभग कॉलोनी ब्रिटिश की थी। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हुआ, इकोनॉमी ग्रो कर गई, साइंस इन्वेंशन बहुत ग्रो किए। ये कारण था कि जल्दी उनको एक जागरण का समय यूरोप का जो रहा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, शिक्षा का प्रचार बढ़ा, बड़े बड़े विद्वान आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, इंजीनियरिंग आ गई, तो जो एडवांसमेंट उनको मिला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह का फायदा मिला, तो जल्दी समझ आ गई। तो जगह जगह कब्जा वब्जा करना, अपना विस्तार करना, एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाना, और सबसे मेन फायदा तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए था, अलग अलग कॉलोनी बना रखी थी, मेन तो मोटिव था इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन करना जगहों का। 50+ कॉलोनी इन्होंने बना रखी थी इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो ये एक हल्का सा बैकग्राउंड की इतिहास में, डिटेल में सब पढ़ेंगे हम, अभी फिलहाल बस एक ओवरव्यू कि ये हमें पता है कि 1858 एक्ट जब आया तब डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन यहाँ पर शुरू हो गया था, सीधे सीधे क्राउन का रूल यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, जो राजा रानी थे वही हमारे भी राजा रानी होंगे। तो 1858 एक्ट ने कंपनी के रूल को खत्म करके सीधे क्राउन का रूल भारत में स्थापित कर दिया था। ठीक, दूसरा पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बाद में बना, पर सिनेरियो क्या क्या रहे। अब कंपनी यहां पर रूल करती थी तो भी तो इंग्लैंड ने ही भेजा था ना इनको, इंग्लैंड से ही तो परमिशन लेकर आए थे, कंपनी यहां पर रूल करती थी तो इंग्लैंड की तो परमिशन से करते थे। कंपनी के लिए भी नियम बनते थे कि भाई आप यहाँ पर ऐसे काम करोगे, इस तरह से वर्क करोगे। समय समय पे कंपनी के लिए भी रूल्स बनते थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कहानी शुरू हुई थी और इसके बाद क्राउन का रूल आया, कंपनी का रूल खत्म हुआ, क्राउन का रूल आया। क्राउन का जब रूल था तो भी कानून बनते थे, और ये कानून कहाँ बनते थे, इंग्लैंड में, ये भारत में नहीं बनते थे। भारत में कंपनी का रूल रहा हो या क्राउन का रूल रहा हो, यहां पर सिस्टम किस तरह से चलाया जाएगा इसके लिए कानून बनते रहते थे और वो कानून यहां पर लागू होते थे। पर ये बनते कहाँ थे, ये पास इंग्लैंड से होते थे, भारत में नहीं। तो अगर हम कहें कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी या क्राउन का शासन यहां पर चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनता था या रूल बुक बनती थी, ये इंडिया में नहीं बनती थी, ये इंग्लैंड में पास होते थे और यहां पर ये लागू होते थे।
इसी तरह से अलग अलग कॉलोनी जो ब्रिटिशर ने बना रखी थी उनके लिए इंग्लैंड से ही नियम पास होते थे और वहां वहां पर सिस्टम को वो चलाते थे। इंडिया के लिए भी इंग्लैंड में ही कानून बनाते थे और उन कानून के हिसाब से यहाँ पर सिस्टम चलता था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत सारे कानून बने थे। आपने सुना होगा पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आपने सुना होगा 1909 का मोरले मिंटो रिफॉर्म, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कानून बनते थे, इंग्लैंड से बनते थे और यहाँ पर ये लागू करते थे। वहां से बनते बनते 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब तक रूल किया हो, जब क्राउन का शासन यहाँ स्थापित हुआ हो, क्राउन का रूल यहाँ पर होने का मतलब ये नहीं कि वहां के राजा रानी यहाँ रूल करते थे, उनके बिहाफ पर ही जो वाइस रॉय होता था वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पर वाइस रॉय जो होता था वो उन्हीं का रिप्रेजेंट करता था भारत में, क्राउन के बिहाफ पर ही वो यहाँ पर रूल करता था और रिपोर्ट करता था इंग्लैंड को। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक बहुत सारे कानून समय समय पे बनते रहते थे, उस हिसाब से यहाँ पे सिस्टम चलाते थे ब्रिटिश। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उन पर उनको ये कानून बना के दिए जाते थे, और जब क्राउन का रूल आया तो जो वाइस रॉय वगैरह होगा वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब बनते थे इंग्लैंड में, पास्ड इन इंग्लैंड बट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, इंग्लैंड में ये कानून बनते थे, भारत में लागू करते जाते थे। कई सारे कानून हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इंग्लैंड में पास होते थे, भारत में लागू करते जाते थे। लास्ट में ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। दूसरी तरफ अब एक समय ऐसा था जब वर्ल्ड वॉर चली, लिखना है किसी को लिखो, नोट करना है नोट कर लो। लिख लिया, हिस्ट्री में सब डिटेल में आएगा ये। अब अगले पॉइंट पर हम आए। दूसरी तरफ एक समय चला वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर पहली ये हुई थी 1914 से लेकर 18 तक, 1914 से 18, और 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर वन एंडेड, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, पहली वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई 11 नवंबर को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में एंड हो गई थी। ये वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे, किन कंट्रीज के बीच हुई थी, पॉलिटी के बाद जब हम जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वहां पर आएगा। लीग ऑफ नेशन क्या था, यूनाइटेड नेशन कैसे बनी, वहां पर वर्ल्ड वॉर समझाना होगा। वर्ल्ड वॉर समझने के बाद आज का सिनेरियो भी आपको समझ आने लगेगा कि अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो खतरा लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल, वो पूरी कहानी जीके एंड करंट अफेयर में उससे डिटेल में बताऊंगा वहां पर। ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस हमें ये समझना है किस तरह सिनेरियो बदला, इंडिया के लिए चेंजेस क्या रहे। वर्ल्ड वॉर वन में भी इंडियन सोल्जर काफी मारे गए क्योंकि ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी वहां से लोगों को ले जाके वॉर में एज ए सोल्जर वो इस्तेमाल करते थे। वर्ल्ड वॉर वन में काफी इंडियन सोल्जर मारे गए थे क्योंकि इंडियन सोल्जर या जो कॉलोनी जहां जहां वो रूल कर रहे थे वहां के लोगों को ले जाके वर्ल्ड वॉर में वो यूज कर रहे थे सोल्जर के तौर पर। इंडिया गेट जो था वो वॉर मेमोरियल था। इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर वन में जो सोल्जर मारे गए थे उनका वॉर मेमोरियल ही रहा है। अब तो खैर अलग से नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया गया इंडिया गेट के पास में, अब वो वॉर मेमोरियल नया बन गया है एक। इंडिया गेट जो था वो उसी का चिन्ह था, वर्ल्ड वॉर वन में सोल्जर मरे थे वॉर मेमोरियल के तौर पर ही था। अब एक नया नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में बन गया है, जो भी शहीद रहे हैं भारतीय लोग उनके लिए एक अलग से वॉर मेमोरियल बन चुका है। तो इंडिया गेट ये वॉर मेमोरियल ही रहा, इसके ऊपर आप देखोगे शहीदों के नाम लिखे थे।
वॉर मेमोरियल ऑफ वर्ल्ड वॉर वन मार्टियर्स, शहीद, वर्ल्ड वॉर वन के शहीद जो थे उनके लिए वॉर मेमोरियल था इंडिया गेट। अभी एक नया नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में बन चुका है। अब वॉर मेमोरियल अलग अलग नहीं हो सकते, अब क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया, अब क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया है, तो फिर इंडिया गेट अब वॉर मेमोरियल के तौर पर नहीं, यहाँ पर जो अमर जवान ज्योति जलती थी वहां पे ग्रेनाइट का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगा दिया गया है। तो वॉर मेमोरियल क्योंकि अलग अलग नहीं हो सकते, अब नेशनल वॉर मेमोरियल सभी शहीदों के लिए अलग से बना दिया गया दिल्ली में। नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में अलग से बन चुका है, तो अब इंडिया गेट वॉर मेमोरियल के तौर पर नहीं, नेशनल वॉर मेमोरियल रहेगा। ठीक है, तो इंडिया गेट वॉर मेमोरियल वर्ल्ड वॉर वन के शहीद जो थे उनकी याद में बना था, और नेशनल वॉर मेमोरियल अभी हाल ही में कुछ समय पहले बना है नई दिल्ली में, तो वॉर मेमोरियल अलग अलग तो नहीं होंगे। अब यहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती थी शहीदों की याद में, तो वो इसमें ऐड कर दिया गया, यहीं पर जोड़ दिया गया है, और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रेनाइट का स्टैचू लगा दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ग्रेनाइट का स्टैचू लगा दिया गया है, क्योंकि वॉर मेमोरियल तो अलग से बना दिया, अब यहाँ पर जो जगह है वो अमर जवान ज्योति वाली थी, वहां बन गया ग्रेनाइट स्टैचू ऑफ ग्रेनाइट स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहां पर इनका ग्रेनाइट का स्टैचू लगा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस बताइए जरा, सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस, और बर्थ प्लेस किस रिवर के किनारे है वो ही बताइए। बताया, मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस, इनका बर्थ प्लेस है कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। इनका ग्रेनाइट का स्टैचू लगाया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस कटक उड़ीसा, और कटक किस रिवर के किनारे है, कटक लोकेटेड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर, महानदी पर ही है हीराकुड डैम, हीराकुड डैम। तो ग्रेनाइट स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कटक उड़ीसा इनका बर्थ प्लेस, महानदी रिवर के किनारे कटक, हीराकुड डैम इसी पर ही है। सबसे ऊंचा डैम है टिहरी, सबसे लंबा डैम है हीराकुड। हाइट की बात करें टिहरी, टिहरी है भागीरथी के ऊपर, टिहरी डैम भागीरथी के ऊपर। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर, और इस पर है हीराकुड डैम, हीराकुड लिख लो, लॉन्गेस्ट डैम, यहां नोट कर लो, ये है लॉन्गेस्ट डैम। हाईएस्ट डैम है इंडिया का टिहरी ही भागीरथी पर, हाईएस्ट डैम टिहरी, टिहरी है भागीरथी रिवर उत्तराखंड, गंगा पर नहीं है भागीरथी पर है, हाईएस्ट डैम टिहरी भागीरथी रिवर, हाईएस्ट डैम टिहरी भागीरथी रिवर। अब इसमें एक क्वेश्चन और बताइए, कटक में कोई इंस्टीट्यूट है बड़ा फेमस, कटक में कोई फेमस इंस्टीट्यूट है, कटक में कोई फेमस इंस्टीट्यूट, लाइफ साइंस में बताया था क्या, कटक में एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक में है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐड कर लो सिंगल लाइनर क्वेश्चन सब, ये कटक में है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पर हम पॉलिटी रहे थे, वर्ल्ड वॉर वन का जिक्र आया तो वहां पर इंडिया गेट का जिक्र आया, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आया। सुभाष चंद्र बोस वर्ल्ड वॉर वन में नहीं थे। यहां तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इंडिया गेट पे इनका स्टैचू लगा है, इंडिया गेट पे इनका स्टैचू लगा है। ये थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, सुभाष चंद्र बोस का टाइम है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे, स्टैचू इनका इंडिया गेट पे। तो बर्थ प्लेस कटक उड़ीसा, यहीं पर सेंट्रल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये महानदी रिवर के किनारे है, इस पर हीराकूड डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है, ये सबसे ऊंचा डैम है इंडिया में, टिहरी, इंडिया की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, ये है इंडियाज हाईएस्ट और ये है इंडियाज लॉन्गेस्ट, इंडियाज हाईएस्ट इंडियाज लॉन्गेस्ट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर डिजिटल नोट्स आपने दिए थे उसका पार्ट टू प्रोवाइड कर दीजिए, तो मोहित का आईपैड कुछ दिक्कत आ गई थी उसमें, तो पार्ट टू उन्होंने रेडी नहीं किया, बनाया नहीं है। अब बहुत मैसेज आ रहे हैं कि पार्ट टू भेज दीजिए, किसी और ने अगर बना रखा हो डिजिटल फॉर्मेट में, नोट्स तो मैंने दे रखे हैं आपको, दो दो नोट्स, क्लासरूम की कॉपी दो दो बार पड़ी हुई है, पर मोहित ने वो डिजिटल नोट्स बनाए थे, लोगों को बड़े अच्छे लग रहे थे प्रेजेंटेशन वाइज, तो पार्ट वन उसका रेडी था, वो आपको दे दिया था। पार्ट टू की डिमांड जो आप लोग कर रहे हो उनके आईपैड का कुछ समस्या है, तो पार्ट टू मेरे पास नहीं आ पाया, हालांकि बात की थी मैंने पर वो अवेलेबल नहीं हो पाया। बाकी किसी ने बना रखा हो वो भेज दे तो मैं अपलोड कर दूं। फिजिक्स केमिस्ट्री सभी ने पढ़ा है, कोई एक ही बच्चे की जिम्मेदारी थोड़ी है, और भी किसी ने प्रॉपर नोट्स बना रखे हो, मिस्टेक्स ना हो तो पार्ट टू वो दे दे, मैं अपलोड कर देता हूं, या किसी ने प्रॉपर नोट्स बनाए मुझे भेज दे ग्रुप पे। अब एक बच्चा अगर कोई चीज कर रहा है सब उसी पर डिपेंड हो जाएंगे, पर बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं, बाकी भी कोई बना रहा हो तो भेज दे, मैंने ग्रुप में बोला अभी तक किसी ने बनाया तो भेजे, बना बनाया सबको चाहिए, और लिखना खुद किसी को नहीं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते जरा सी भी, ठीक है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सरकार ने डिक्लेयर किया था, इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी, डेट ऑफ बर्थ इनका 23 जनवरी है, तो सरकार ने इसको कुछ समय पहले डिक्लेयर किया था पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जो डेट ऑफ बर्थ है ये 23 जनवरी, इसको डिक्लेयर किया गया पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ पराक्रम दिवस डिक्लेयर किया गया। करंट का क्वेश्चन कई एग्जाम में आया भी है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस इनका बर्थडे। वापस आ जाते हैं पॉलिटी पर, तो वर्ल्ड वॉर का समय जो था, दो वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 18 और 1939 से लेके 45 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय जो, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो मैंने बताया काफी इंडियन सोल्जर मारे गए थे, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, इवन गांधी जी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अंग्रेजों को सपोर्ट किए थे कि हम इनको सपोर्ट करेंगे तो इनके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा हमारे लिए, हमें कुछ फेवर करेंगे ये। पर कुछ टाइम में गांधी जी का ये जो उनको भरोसा था अंग्रेजों पे, ये कुछ टाइम में दूर हो गया, इनको समझ आ गया कि ये सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट करने आए हैं। गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उल्टा सपोर्ट किया था कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर के समय पे तो ये हमें कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हमारे रखेंगे, हमारी कुछ डिमांड्स मानी जाएंगी। पर वो कुछ टाइम में कंफ्यूजन दूर हो गया कि ये हमें एक्सप्लॉइट करने आए हैं, कोई बेनिफिट हमें इनसे मिलना नहीं है। और वर्ल्ड वॉर टू के समय तक पूरी तरह से अंग्रेजों की पॉलिसी क्लियर थी हमें, वर्ल्ड वॉर वन के समय तो क्लैरिटी नहीं थी, वर्ल्ड वॉर टू के समय बिल्कुल क्लैरिटी हो गई थी कि ये एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। और गांधी जी 1922 अगर बात करूं तो 1922 से ही लगातार कहीं ना कहीं ये डिमांड उठा रहे थे कि हमें अधिकार ज्यादा मिले, भारतीयों के अधिकार की बात, कि आप हम पे रूल कर रहे हो, आपने कॉलोनी बनाया हुआ है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं 1922 से ही स्वराज की बात जब शुरू हो गई, स्वराज वर्ड तो पहले आ गया था,
पर गांधी जी ने उस पर ज्यादा जोर शोर से बात उठाई है। तो 1922 के बाद से ही लगातार जो डिमांड उठी कि इंडियंस को ज्यादा पावर मिलने चाहिए, ज्यादा बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो और स्ट्रेंथन होती गई। आजादी हमें ओवरनाइट नहीं मिली है, रातों रात नहीं मिली, टुकड़ों में मिली है, समझाना मैं ये चाह रहा हूँ। तो आजादी टुकड़ों में मिली, इकट्ठे नहीं। 1922 से जो डिमांड उठी थी हमें ज्यादा कुछ पावर दिए जाए, अधिकार दिए जाए, वो 1922 से जो बात उठी वो स्ट्रेंथन होते होते जाके 1947 पूरी तरह ट्रांसफर ऑफ पावर हो पाया। पर शुरुआत कहीं ना कहीं 1922 में स्वराज की जो बात गांधी जी करते हैं वहां से लेके उसको और स्पीड मिली। बीच बीच में कुछ प्रयास भी किए गए, जैसे अंग्रेजों ने एक साइमन कमेटी बनाई, साइमन कमेटी बनाई कि 1929 में इंडिया के लिए फिर से लॉ बनना है, लॉ आना है। 1909 में लॉ आया, 1919 में लॉ आया, 1929 में फिर से लॉ आना है, साइमन की एक रिपोर्ट आनी थी। तो यहाँ पे बड़ा विरोध हो गया, तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करो तुम सब लोग मिलकर बना दो कुछ, कि हम लोग अगर कुछ बना रहे हैं आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो इंडिया में आप सारी पार्टी मिलकर बना लो कुछ। उन्हें पता था कि सारी पार्टी एक होंगी नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने ही तो डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कर रखी थी, सबको भिड़ा रखा था अपने में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में भिड़े हुए थे, तो अंग्रेजों को मालूम था कि किसी भी चीज पर ये एक तो बात कंसेंसस तो होगा नहीं, सहमति बनेगी नहीं। तो नेहरू रिपोर्ट एक प्रयास किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की दिशा में काम किया गया था नेहरू रिपोर्ट, पर सारी पार्टी उस पर एग्री नहीं थी, तो फाइनल नहीं हो पाया। इतिहास में हम देखेंगे प्रयास पहले भी हुए कि हमें अधिकार मिले, पावर मिले, नेहरू रिपोर्ट उसका एक एग्जाम्पल भी था, पर सारी पार्टी एग्री नहीं थी, वो बेनिफिट भी नहीं मिल पाया, वो नहीं हो पाया। तो अंग्रेज ही नियम बनाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो भी उन्होंने ही बनाया। तो इतिहास में सब इस पर चर्चा करेंगे, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ वर्ल्ड वॉर टू 1939 से लेके 1945 तक चली, और ये वो समय था जब इंडियन लोग भी सरकार का हिस्सा, प्रोविंसेस वगैरह में तो काफी अधिकार थे उनको, तो प्रोविंसेस थी, प्रिंसली स्टेट वगैरह थे, तो इंडियन भी कई जगह अधिकार थे, मिल चुके थे इस समय तक। अब हम भी अच्छी पोजीशन में थे, ठीक ठाक पोजीशन में थे, कि 1922 में हमारी बात सुनी नहीं जाती थी, यहां तक आते आते बात को सुना जाने लगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू एक बड़ी बड़ा इवेंट चल रहा था दुनिया में। अब यहां पर अंग्रेज इंडियन से कह रहे थे, इंडिया के जो बड़े बड़े लीडर, कि आप लोग सपोर्ट करिए, इंडियन जो हैं वर्ल्ड वॉर में हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जर्मनी हिटलर उधर से लीड कर रहा था, ब्रिटेन कई बार कमजोर भी पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इन्होंने कहा कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर वन में तो इंडिया ने सपोर्ट करना भी पड़ा था, क्योंकि हम कॉलोनी थे, कुछ अपोज नहीं कर सकते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हमारी स्थिति ज्यादा ठीक थी, जो बड़े बड़े लीडर थे उनकी बात को सुना जाता था, पब्लिक उनको फॉलो करने लगी। तो अंग्रेजों ने कहा, एक 1940 में एक ऑफर आया, अगस्त 1940 में आया अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर, लिनलिथगो उस समय वाइस रॉय था उसका ऑफर था, ये लिनलिथगो, लिनलिथगो ऑफर भी कहते हैं। तो अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर या लिनलिथगो ऑफर दिया गया, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। तो ये कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग पार्टिसिपेट करिए, आप लोग हेल्प कराइए, इंडियन भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हों, क्योंकि हिटलर नाजीवादी थ्योरी है उसकी, डिक्टेटर है, तो आप लोग भी तो उसको एडमायर नहीं करते, आप लोग भी तो अपोज करते हो। तो अगस्त ऑफर आया, लिनलिथगो वाइसरॉय था उस समय, इसने ऑफर दिया कि वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो हम आपको मौका देंगे। जैसे इंडियन ये कहा कि जो लॉ बन रहे हैं, जो कानून बन रहे हैं, इंडिया में आप नियम चला रहे हो और हम उसको बना नहीं रहे, इंग्लैंड से बन के आ रहा है, जो हमारे लिए नियम बन रहे हैं कि भाई देश को जिस तरह से आप चला रहे हो, नियम इंग्लैंड से बन के आ रहा है, हम लोगों को ये अधिकार मिले। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रयास किया गया, मोतीलाल नेहरू और उनकी टीम ने मिलकर बनाया, पर सारी पार्टी एग्री नहीं की तो फेल कर गया। पर उस समय अंग्रेज बात सुनते भी नहीं थे। अब यहां तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए थे, ये बिल्कुल ठीक समय था अपनी बात को जोर शोर से मनवाने का, थोड़ी पावर हमको पहले की तुलना में ज्यादा मिल चुकी थी, हमारे बड़े बड़े लीडर सरकार में शामिल थे। तो अगस्त 1940 अगस्त ऑफर या लिनित को ऑफर जब आया, इसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग सपोर्ट करिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी तो हम आगे कभी ये मौका देंगे कि आप लोग अपना नियम बनाइए, आप लोग अपना कोई रूल बुक बनाइए, अपने सिस्टम के लिए आप बनाइए कैसे चलाना है, आगे कभी ये मौका देंगे। कोई क्लियर डेट वेट नहीं दिया था,
ये कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग सपोर्ट करिए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग आपको आगे कभी ये मौका देंगे कि आप अपना कोई नियम कानून बना पाए। क्लियर है? इसी बात को फिर दोहराया, क्रिप्स प्रपोजल आया, अगस्त ऑफर को ही रिपीट किया क्रिप्स प्रपोजल ने। इसके बाद आया क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रपोजल ने रिपीटेड अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल रिपीटेड अगस्त ऑफर। इसने भी उसी बात को दोहराया कि आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगी तो हम आगे कभी ये मौका मिलेगा कि आप लोग अपना नियम कानून बनाएं। और आपको जो डोमिनियन की बात आप कर रहे हैं, डोमिनियन शब्द का मतलब अभी आप ये समझो, डोमिनियन का मतलब पूर्ण आजादी नहीं है। डोमिनियन का मतलब है कि जैसे ब्रिटिश हैं उसी इक्वल स्टेटस पे आप ही लोग रहोगे, भारत के लोग ही इक्वल स्टेटस पे रहेंगे, पर अल्टीमेटली क्राउन के अंतर्गत। क्राउन से आजादी नहीं है डोमिनियन का मतलब। कई जगह आप ये वर्ड सुनते हैं डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब है ब्रिटिश के इक्वल स्टेटस आपको मिलेगा, पार्शियलिटी नहीं करेंगे। जैसे पहले क्या था, ब्रिटिश लोग ऊपर बैठे थे, इंडियंस नीचे थे, ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे। तो डोमिनियन की जो डिमांड थी, डोमिनियन का मतलब पूर्ण आजादी नहीं था। डोमिनियन शब्द कई जगह आता है, तो डोमिनियन का मतलब था इक्वल स्टेटस होगा ब्रिटिशर के साथ आपको, जैसे ब्रिटिशर है वैसे आपको भी स्टेटस मिलेगा, पर आपकी जो आपका जो वो है श्रद्धा, वो क्राउन के प्रति रहेगी, पूर्ण आजादी नहीं है। क्राउन के लिए आप जवाब दे तब भी हैं। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब था इक्वल स्टेटस विद ब्रिटिश बट डिवोशन या डेडिकेशन टुवर्ड्स क्राउन, एलिगेंस वर्ड बोलते हैं इसके लिए, एलिगेंस टू क्राउन, क्राउन के प्रति आप श्रद्धा तब भी रखेंगे, मतलब क्राउन से फ्री नहीं हो आप, क्राउन से अफ्री नहीं हो, डोमिनियन शब्द का यह मतलब है। तो क्रिप्स का जो प्रपोजल भारत को आया, उसने अगस्त ऑफर को ही रिपीट किया, कोई नई बात नहीं कही, उसने अगस्त ऑफर को ही रिपीट किया। एसएससी का रिजल्ट आ गया है, कुछ बच्चे भेज रहे हैं, सेलेक्ट हो गए, कुछ सेलेक्ट हुए, कुछ एक नंबर से रह गए। चलो क्लास के बाद देखते हैं। ठीक, तो डोमिनियन स्टेटस इक्वल स्टेटस विद ब्रिटिश बट एलिजियंस टू क्राउन, मतलब विद इन द, इसका मतलब क्या है, ऑटोनोमस स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। डोमिनियन का मतलब यह हुआ कि आपको ज्यादा अधिकार मिल तो जाएंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट सब आप चलाओगे तो आपको मेजोरिटी अधिकार सब मिल जाएंगे, इंडिया को इंडियन लोग चलाएंगे, पर कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वो ब्रिटिश के पास भी रहेंगी, और अल्टीमेटली आप क्राउन से फ्री नहीं हो, क्राउन से तो बंधे हो। तो आपका देश है, आपके लोग ही चलाएंगे, ज्यादातर मंत्री वंत्री सब आप ही बनाओगे, आप ही के होंगे, पर ये पूरा फ्रीडम नहीं है। डोमिनियन का मतलब मेजॉरिटी सब आपको मिल जाएगी, भारत को भारत के लोग ही चलाएंगे, पर कुछ कुछ पोस्ट जो है वो ब्रिटिश के पास रहेगी और क्राउन के प्रति आपकी श्रद्धा रहेगी। तो ये पूरी आजादी नहीं है।
इंडिया 1950 में संविधान बनने से पहले पहले जो आजादी हुई थी, इंडिया पाकिस्तान दोनों ये डोमिनियन के तौर पर ही आजाद हुए थे। अगर आप देखो 14 अगस्त 1947, तो डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, इस डेट को अगर आप देखें 14 अगस्त 1947, तो इसमें डोमिनियन ऑफ इंडिया ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान दोनों डोमिनियन के तौर पर आजाद हुए थे, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। और इंडिया में भी पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंडिया में 1947 में जैसे ही डोमिनियन बना है इंडिया, क्या तुरंत ही राष्ट्रपति बन गए थे? तुरंत ही यहां पर राष्ट्रपति बन गए थे क्या? डोमिनियन ऑफ इंडिया जब हम बने हैं, तो फिर माउंटबेटन पहला गवर्नर जनरल था हमारा, कौन था? अंग्रेज था। पूर्ण आजादी कहाँ हुई? डोमिनियन के तौर पे आजाद हुए थे। 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जब आ गया हमारा, तब हम पूर्ण रूप से आजाद हुए हैं। 1947 से 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक जो है वो हम डोमिनियन के तौर पर ही रहे हैं, और पाकिस्तान तो 1956 तक डोमिनियन तौर पर रहा है। ये 1956 तक डोमिनियन के तौर पर रहा है, हम 1950 तक डोमिनियन के तौर पर रहे हैं। तो 14 अगस्त 1947 डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही था पहला, ब्रिटिश व्यक्ति ही था। तो कहां हम अंग्रेजों से पूरी तरह फ्री थे? डोमिनियन का मतलब पूरी आजादी था भी नहीं। माउंटबेटन, बल्कि नेहरू पीएम थे, कई सारी चीजों के लिए हम आंसरेबल थे, ब्रिटिश को जवाब देना पड़ता था। माउंटबेटन यहां बैठा ही क्यों था? ये गवर्नर जनरल बनाया गया था, फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, ब्रिटिश इंडिया का लास्ट, वही आजाद भारत का पहला, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो डोमिनियन की डिमांड जो हम बहुत पहले से कर रहे थे, तो डोमिनियन स्टेटस भी हमको 14 अगस्त 1947 में मिल पाया। तो 1940 और 1942 क्रिप्स प्रपोजल जो कह रहे थे कि आगे कभी हम आपको ये देंगे, पर उसकी कोई क्लियर डेडलाइन नहीं थी। वो तो बस ये कह रहे थे वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, आगे हम देखेंगे, ये अभी आप वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, तो इंडियन एग्री नहीं हुए, रिजेक्ट कर दिया उस प्रपोजल को। तो 14 अगस्त 1947 डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना। माउंटबेटन ही फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल और ब्रिटिश इंडिया का अंतिम गवर्नर जनरल यही था, ब्रिटिश इंडिया का अंतिम और आजाद भारत का पहला। तो हमारी जवाबदेही थी, पूरी तरह से आजादी नहीं थी ये। 1950 तक हम डोमिनियन रहे हैं, 1950 तक हमने मेंटेन किया डोमिनियन स्टेटस। तो 14 अगस्त 1947 से लेकर टिल 26 जनवरी 1950, तब तक हम डोमिनियन के तौर पे रहे हैं। ये नोट कर लो डेट। इस तरह का स्टेटस जो है, अब तो हमारे कोई ब्रिटिश नहीं चल रहा, जनता चुनाव, जनता वोट कर रही है, चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहा है, ये सब जो प्रोसेस हमारे 26 जनवरी 1950 संविधान हमारा जब पूरी तरह लागू हो गया, फिर ये डोमिनियन वाला स्टेटस एंड हुआ। पर 1947 से 50, इस डेट से पहले पहले हम डोमिनियन ही रहे हैं, और पाकिस्तान तो 1956 तक डोमिनियन रहा है, 1956 तक रहा है पाकिस्तान। तो आर्मी हेड जो होता था वो भी ब्रिटिश होता था। अगर आप स्टार्टिंग में देखो, आर्मी हेड वो भी ब्रिटिश होता था, गवर्नर जनरल वो भी ब्रिटिश होता था, बाकी मंत्री मंत्री हमारे होते थे। तो कई सारी पावर इंडियंस को, डोमिनियन का मतलब ऐसा है कि बहुत सारे अधिकार इंडियंस को दे दिए गए, पर कुछ कुछ बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट हैं, मेन मेन पोस्ट अपने पास रखे हुए थे, जैसे गवर्नर जनरल इनका होगा, आर्मी चीफ ब्रिटिशर था, जवाबदेही थी हमारी ब्रिटिश को। तो इंडियंस को पावर मिलने के बाद भी पूरी आजादी नहीं थी, इनके लोग हमारे यहाँ बैठे हुए थे। 26 जनवरी 1950 जब आ गया, तब हम आजाद हो गए फिर पूरी तरीके से।
आजादी तो ये डेट है 14 अगस्त, हमारे अधिकार बढ़, 15 अगस्त हमारे लिए, 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए, तो हमारे अधिकार बढ़ गए, हमारे लोग ज्यादा पावर में आ गए। पर वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, आर्मी चीफ, ये सब इन्हीं के होते थे, ब्रिटिशर। अब थोड़ी सी कहानी आपको समझ आएगी, ये नोट करना है, नोट कर लो, क्वेश्चन आता है माउंटबेटन का, बैकग्राउंड एक बार समझ में आ जाए फिर शुरू करें बात। तो 26 जनवरी 1950 तक हम डोमिनियन रहे हैं, 14 अगस्त से लेके 26 जनवरी 1950 तक, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर इंडिया जो बचा वो डोमिनियन के तौर पे ही बचा, डोमिनियन ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन रहा है। लिख लिया ये? आगे बढ़े। डोमिनियन में ये वर्ड चाहे तो नोट कर लेना, आर्मी चीफ भी ब्रिटिशर होगा, गवर्नर जनरल भी इन्हीं का होगा, तो पूरी आजादी कहां हुई? आप लिख लो, डोमिनियन में आर्मी चीफ जो था वो भी ब्रिटिश था, आर्मी चीफ ब्रिटिशर, गवर्नर जनरल वो भी ब्रिटिशर, डोमिनियन में आर्मी चीफ भी ब्रिटिशर था, गवर्नर जनरल ब्रिटिशर था, नेहरू प्रधानमंत्री थे पर नेहरू को पूरी फ्रीडम नहीं थी हर चीज के लिए, क्योंकि तो हम पूरी पूरी तरह आजाद नहीं, हम डोमिनियन में थे, माउंटबेटन हमेशा सर पे बैठा रहता था, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहता था। अब आ जाओ इस पर, तो अगस्त 1940, अगस्त ऑफर और लिनलिथ गो ऑफर, इसने क्या कहा? वी विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस, और आप अपना जो रूल बुक लॉ बुक बनाना चाहें, आपको ज्यादा अधिकार दे दिए जाएंगे, पर आप वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करिए। इसी बात को दोहराया क्रिप्स प्रपोजल ने, ये था 1942 में आया था, क्रिप्स प्रपोजल ये आया 1942 में। अगस्त ऑफर और लिनलिथ गो ऑफर दोनों इसी बात को दोहरा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर में आप सपोर्ट करिए, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगी वी विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस। इसने क्या प्रपोजल दिया? डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, और इसने भी यही दोहराया था, इसने भी यही कहा। तो अगस्त ऑफर और लिनलिथ को ऑफर दोनों कह रहे थे कि आप लोग वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट करिए, वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद हम आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस। अब सेम लाइन में यहां नहीं लिख रहा हूं, ये भी यही कह रहा है, पहले इसी ने ऑफर दिया, अगस्त ऑफर में लिनलिथ गो ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप सपोर्ट करिए, वर्ल्ड वॉर जब एंड हो जाएगी हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आप लोगों के अधिकार बढ़ जाएंगे, लॉ बनाने में भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, आपके अधिकार बढ़ेंगे। इसी, अब यहाँ पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही थी, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस वगैरह सरकार चला रही थी साथ में, उन लोगों ने कर दिया रिजाइन, और उन्होंने कहा आप हमें वर्ल्ड वॉर में उलझा रहे हो, हमारा वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं, आप हमें वर्ल्ड वॉर में क्यों झोंक रहे हो, हमारी डिमांड अलग है, वर्ल्ड वॉर से हमारा कोई मतलब नहीं, हम उससे अलग रहेंगे। और नेहरू और कई सारे नेताओं ने मिलकर लोगों तक बात पहुंचाने का काम शुरू किया कि मास को ये बात चली जाए कि हम वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं होना चाहते, वर्ल्ड वॉर टू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी अपनी डिमांड जो है वो मानी जाए। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, सबसे बड़ी पार्टी वही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड। गांधी जी ने कहा कि ये जो हमने रिजेक्ट किया है अगस्त ऑफर, ये हमारे बीच में खाई को और बढ़ा देगा, हमारे बीच में जो गैप है एक गैप को और इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सपोर्ट के लिए। तो अगस्त ऑफर और लिनलिथ गो ऑफर कि वर्ल्ड वॉर में आप हमें सब लिखना तो लिख लो उसको, अगस्त ऑफर क्या था कि वर्ल्ड वॉर में आप हमें सपोर्ट करिए और वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आपके अधिकार बढ़ जाएंगे आगे कभी, क्लियर डेट नहीं बताया है, लिखना है तो लिख लो। अगस्त ऑफर क्या था कि इंडियंस मस्ट सपोर्ट अस इन वर्ल्ड वॉर टू एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू वी विल
गिव यू सम बेनिफिट्स, वी विल गिव यू सम एडवांटेजेस लाइक डोमिनियन स्टेटस, आप हमें वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट करो और आफ्टर वर्ल्ड वॉर वी विल गिव यू बेनिफिट्स, उसके रिस्पॉन्स में हम आपको बेनिफिट करेंगे। लिख देता हूं मैं एक लाइन, इसी बात को आगे फिर क्रिप्स को भेजा, इसने रिपीट किया उसी बात को, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स प्रपोजल ऑल्सो रिजेक्टेड बाई कांग्रेस, क्रिप्स प्रपोजल ऑल्सो रिजेक्टेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट किया और क्रिप्स प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया 1942 में। ये दोनों क्या कह रहे थे? ये दोनों कह रहे थे, ये दोनों कह रहे थे इंडियंस मस्ट सपोर्ट अस इन वर्ल्ड वॉर टू एंड एज ए रिस्पॉन्स वी विल बेनिफिट इंडियंस इन वेरियस वेज लाइक डोमिनियन स्टेटस, ये दोनों ही क्या कह रहे थे? इंडियंस मस्ट सपोर्ट अस इन वर्ल्ड वॉर टू एंड एज अ रिस्पॉन्स वी विल बेनिफिट इंडियंस इन वेरियस वेज, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे, आगे कभी देंगे, अभी डेट नहीं क्लियर है, आगे कभी हम ऐसा करेंगे। तो अगस्त 1940, अगस्त ऑफर, रिनलिथगो ऑफर, ये कौन था? ये वायसराय था उस समय। रिनलिथगो कौन था उस समय? वायसराय गवर्नर जनरल, पोस्ट का नाम था वायसराय एंड गवर्नर जनरल। तो मैं वायसराय या गवर्नर जनरल लिख रहा हूं, आप एक ही समझो, वायसराय या गवर्नर जनरल जो लिखा है आप एक ही समझिए। कई बार इस पोस्ट का नाम चेंज हुआ था। तो रिनलिथगो ऑफर क्या कहा? इंडियन सपोर्ट करिए वर्ल्ड वॉर में, बाद में हम आपको बेनिफिट देंगे। इसी बात को क्रिप्स ने रिपीट किया, अगस्त ऑफर को दोहराया, फिर कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, साथ मिलकर गवर्नमेंट भी चला रही थी। उनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर से हमारा कोई लेना देना नहीं, आप हमें वर्ल्ड वॉर में अननेसेसरी इन्वॉल्व कर रहे हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वैसे इतने हमारे लोग मारे गए थे, वर्ल्ड वॉर में हमारा क्या मतलब? हम अपनी डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया को बेनिफिट मिले, इंडिया को डोमिनियन मिले, आप हमें वर्ल्ड वॉर में जोड़ रहे हो, तो वर्ल्ड वॉर से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हम इतनी बार्गेनिंग पोजिशन में नहीं थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हम स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे थे। गांधी जी जो मास मूवमेंट वगैरह भी चलाए थे, उससे बहुत हमारी चीजें, कई चीजें फेवर में आ चुकी थी। जितने बड़े मूवमेंट गांधी जी करते थे, उतने बड़े मूवमेंट उससे पहले नहीं हुआ करते थे। 1857 रिवोल्ट हुआ भी, पर वो ऑर्गेनाइज रिवोल्ट नहीं था, हर कोई अपने अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा था। गांधी जी वो लीडर थे जिन्होंने यूनाइट कर दिया था बड़े स्केल पर, और अंग्रेजों के लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट भी चल रही थी कुछ जगहों पर। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात आई कि इसमें आप शामिल होइए, कांग्रेस ने विरोध कर दिया, जो साथ में सरकार वगैरह में लोग शामिल थे रिजाइन कर दिया उन्होंने कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है, जबरदस्ती हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, हमारा वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। और इन्होंने बार बार लॉलीपॉप दिया, नहीं आ पाओ आप लोग सपोर्ट करो तो हम आपको बेनिफिट देंगे, ऐसा करके। तो अगस्त ऑफर और क्रिप्स प्रपोजल दोनों को ही कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, और सबसे बड़ी पार्टी वही थी, कांग्रेस थी, तो दोनों को ही रिजेक्ट किया गया। गांधी जी ने अगस्त ऑफर के लिए कहा था कि अगस्त ऑफर को हमने रिजेक्ट किया है, ये गैप ब्रिटिश और इंडियन जो एक दोनों में जो डायलॉग बातचीत का जो एक लेवल है उसमें गैप ला देगा बहुत, इसने हमारे बीच की खाई, हमारे बीच के गैप को और वाइडन कर दिया है और बड़ा कर दिया है। और क्रिप्स प्रपोजल के टाइम पर गांधी जी ने कहा, गांधी जी सेड अबाउट क्रिप्स प्रपोजल, इन्होंने कहा ये लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है,
ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रिटिशर खुद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए हैं और हमें कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप सपोर्ट करो, आगे कभी हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम तो खुद ही क्रम्बल कर रहे हो, लड़खड़ा रहे हो और हमें पीडीसी दे रहे हो, पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो कि आगे हम ऐसा करेंगे। तो गांधी जी ने भी इसको रिजेक्ट किया, मतलब फेल हो गई ये क्रिप्स प्रपोजल। गांधी जी सेड अबाउट क्रिप्स प्रपोजल, गांधी जी सेड अबाउट क्रिप्स प्रपोजल एज इट इज पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए क्रम्बलिंग बैंक। क्वेश्चन आता है गांधी जी ने किसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए क्रम्बलिंग बैंक, लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। तुम्हारा अपना पता नहीं वर्ल्ड वॉर टू का क्या होगा, तुम हमें आगे फ्यूचर का बता रहे हो कि हम ये करेंगे, तो लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। और गांधी जी ने कहा कि ये बिल्कुल सही समय है, ये वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए हैं, उन्होंने कहा ये ठीक समय है। अगस्त 1942 उन्होंने एक स्लोगन दे दिया, डू और डाई। अगस्त 1942 में शुरू हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट कि अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे हैं, ये बिल्कुल सही समय है, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया अगस्त 1842 में, भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी ने स्लोगन क्या दिया था, गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। करो या मरो का मतलब यहां पर वायलेंस नहीं है, कई बार लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि गांधी जी ने कह दिया करो या मरो, इसका मतलब किसी भी हद पे आजादी पालो किसी भी तरीके से, क्या गांधी जी वायलेंस को सपोर्ट कर रहे थे? नो, उन्होंने कहा करो या मरो मतलब ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आजादी अभी मिल जाएगी तो मिल जाएगी, और आप अपना नॉन वायलेंट तरीके से ही जो आप करते हैं वो करिए, पर ये बिल्कुल सही समय है सबको यूनाइट होने का आजादी के लिए, डू और डाई। तो करो या मरो उन्होंने कहा था बट नॉन वायलेंट बेसिस पर, ये लिख लो, करो या मरो गांधी जी ने नारा दिया था क्विट इंडिया के समय पर नॉन वायलेंट बेसिस पर, इसमें कहीं भी गांधी जी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं लोग कई बार इस बात को, गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, यहां तो उन्होंने करो या मरो कह दिया, नॉन वायलेंट बेसिस पर ही बोला था। पर फिर शुरू हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट। अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ उससे एक रात पहले जितने बड़े बड़े लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, तो ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, कोई बड़ा लीडर इसमें था नहीं लीड करने के लिए, तो जो यंग लीडर्स थे नए नए वो सामने आ गए, ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, बड़े बड़े लीडर सब जेल में डाल दिए गए, कोई इसको लीड नहीं कर रहा था, यूनिवर्सिटी कॉलेज यूथ लीडर वो सब इसमें जुड़ते चले गए, ये एक लीडरलेस मूवमेंट था। और नए नए लीडर फिर अपने आप तैयार हुए, यहां स्टार्टिंग में कोई इसको लीड नहीं कर रहा था, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया पर उनको जेल में डाल दिया। और इंडियन हिस्ट्री में सबसे वायलेंट मूवमेंट कोई हुआ है तो ये हुआ है, सबसे वायलेंट क्विट इंडिया मूवमेंट रहा है भारत के पूरे इतिहास में, सबसे ज्यादा लोग यही मरे इसी में, क्योंकि जो मेन लीडर्स थे जो मेंटेन करते या मूवमेंट को कोई डायरेक्शन देते उन सबको ब्रिटिशर ने जेल में डाल दिया, और कोई इसको लीड नहीं कर रहा था, लोग अपने आप इससे जुड़ते चले जा रहे थे, बहुत मास लेवल का मूवमेंट था, ब्रिटिशर को भी मौका मिल गया वायलेंस करने का, उधर से भी वायलेंस हो रहा था, सबसे वायलेंट मूवमेंट भारत के इतिहास का क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर है? मोस्ट वायलेंट मूवमेंट, मोस्ट वायलेंट मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, सबसे वायलेंट मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि बड़े लीडर सब जेल में डाल दिए गए थे, कोई था नहीं इसको लीड करने के लिए, गांधी जी को भी जेल में डाल दिया, तो लीडरलेस मूवमेंट था। फिर नए नए नेता इसमें बने, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली, ये सब नेता इसमें तैयार हुए, और सबसे ज्यादा वायलेंस इस मूवमेंट में हुआ है। तो अब हुआ क्या, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड की तरफ थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई, जर्मनी हार गया, ब्रिटेन अमेरिका वाले ग्रुप में था, ब्रिटेन जीत गया, और वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। दो तीन चीजें एक साथ हुई, एक तो इंडिया में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, बड़े बड़े मूवमेंट जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, बहुत वायलेंस हुआ। और ब्रिटेन में क्या हुआ, वहां पर लेबर पार्टी पावर में आ गई,
जिसको थोड़ा लिबरल माना जाता है। लेबर पार्टी पावर में आई, क्लीमेंट एटली वहां पीएम बना, और एक अमेरिका भी क्योंकि सुपर पावर बन चुका था, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, ब्रिटेन के साथ ही था, तो इन लोगों में एक बातचीत शुरू हुई कि भाई जहां जहां कॉलोनीज वगैरह बना रखी थी वेलफेयर के लिए कुछ काम होना चाहिए, फ्री किया जाए, इस तरह की चर्चा अपने को अच्छा दिखाने की एक होड़ शुरू हुई। तो क्लीमेंट एटली पीएम बन चुका था ब्रिटेन में, लेबर पार्टी पावर में आ गई थी, थोड़ा लिबरल विचारधारा थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी काफी नुकसान उठा चुके थे। इंडिया भी उनके लिए एक लाइबिलिटी की तरह हो गया था, यहाँ पे रूल करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि लगातार मूवमेंट वायलेंस इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही थी, और जो उन्होंने कांटा बोया था हिंदू मुस्लिम वाला वो एक बड़ा रूप ले चुका था। धीरे 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 उसका जो डायरेक्शन था, इन्हीं का शुरू किया डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, वो धीरे धीरे एक अलग दिशा लेता जा रहा था, वायलेंस वगैरह बहुत हो रहे थे। तो ये सब सर कंडीशन ऐसी बन रही थी कि ब्रिटिश यहाँ फर्दर रूल नहीं कर सकते थे, वहाँ सरकार भी बदल गई, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन बहुत कर चुके थे, वायलेंस भी बहुत हो रहा था, सरकमस्टांसेज इस तरह से बन रहे थे कि वो यहाँ रूल और नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो 1942 तक ये स्थिति थी, क्विट इंडिया मूवमेंट तक की बात हो गई। अब 1945 एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था बन चुकी थी, वर्ल्ड पीस की बात होने लगी कि जो कॉलोनीज वगैरह बना रखी है उनको फ्री किया जाए, जो कॉलोनीज वगैरह बनी हुई है उनको फ्री किया जाए, ये सब चर्चा होने लगी। तो अकेले इंडिया नहीं, बहुत सारे कॉलोनी फ्री होने लगे थे उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे कॉलोनी जो है फ्री होना शुरू हुए। 1940 चाइना भी तो 1949 में ही कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से निकला है। तो 1945 एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन ब्रिटेन, लेबर पार्टी केम इनटू पावर, लेबर पार्टी केम इनटू पावर एंड क्लीमेंट एटली बिकेम पीएम, क्लीमेंट एटली बिकेम पीएम। तो कई सारे चेंजेस हुए, हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, लेबर पार्टी पावर में आ गई जो लिबरल मानी जाती थी, क्लीमेंट एटली पीएम बन गए, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था बन गई थी जो वर्ल्ड पीस की बात कर रही थी कि दोबारा वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, अमेरिका ब्रिटेन इन सबको रिफॉर्म की बात करने सामने आना पड़ा क्योंकि यूनाइटेड नेशन बनाने में इन सबका भी की रोल रहा, यही सब बड़े सुपर पावर थे। तो वर्ल्ड के पूरी पॉलिटिक्स इस तरह से बदली, वर्ल्ड सिनेरियो ऐसा बदला कि कॉलोनीज वगैरह को फ्री करने का काम शुरू हुआ, इंडिया में लगातार मूवमेंट हो रहे थे, लगातार बड़ी डिमांड हो रही थी, वायलेंस भी क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत हुआ, कई सारी चीजें इस तरह से चेंज हुई, सिनेरियो ऐसा बदला कि सारा क्यूमुलेटिव प्रेशर ऐसा आया कि फर्दर रूल नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक चीज नहीं, कई चीजों का काम हुआ इसमें, तो सारे फैक्टर पे हम बात करेंगे। भाई कई सारे चेंजेस हुए, उसका नतीजा हुआ कि 1946 में इन्होंने 3 मेंबर का एक ग्रुप भेजा कैबिनेट मिशन, 1946 में ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे किया जाएगा, भारत को आजादी किस तरह से हम देंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरह से करेंगे, इसके लिए 3 मेंबर का एक ग्रुप बना, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 का कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन इसमें जो मेंबर्स थे, इसमें मेंबर्स थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस ये इसमें चेयरमैन थे, पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थे। इसके अलावा स्टैफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स वही था 1942 वाला, क्रिप्स 1942 वाला ही था, स्टैफर्ड क्रिप्स। और तीसरा मेंबर था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। तो इनको भेजा गया, 3 मेंबर का ग्रुप था ये कैबिनेट मिशन, पैथिक लॉरेंस इनके चेयरमैन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स वही था जो 1942 वाला क्रिप्स प्रपोजल जिसने दिया था, तीसरा मेंबर एवी अलेक्जेंडर। तो इन्होंने तैयार किया कैबिनेट मिशन प्लान, इनको भेजा गया कि भाई किस तरह से यहाँ पे पावर का ट्रांसफर वगैरह होना है, ये सारा प्लान तैयार करो, किस तरह से पावर ट्रांसफर वगैरह होना है इसका प्लान तैयार करिए। तो 1946 में कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया,
केम टू इंडिया, इनको भेजा गया, ये मेंबर थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इन्होंने दिया कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्रिपेयर्ड कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन ने तैयार किया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ये कहता है कि आज अगर अगर हम आपको डोमिनियन दे दें और हम चले जाएं, तो आपकी अपनी कोई रूल बुक है, कैसे चलाओगे देश को? अभी तक तो इंग्लैंड से लॉ बन के आते थे, उसके हिसाब से सिस्टम यहाँ चलता था, और डोमिनियन के तहत आज अगर हम आपको पावर ट्रांसफर कर दें, और डोमिनियन के तहत खाली वाइस रॉय और आर्मी हेड हमारा रहेगा, बाकी सब आपको करना है, सारे रूल आपको चलाने हैं, डिपार्टमेंट सब आपको चलाने हैं, तो इतनी पावर जो आपको ट्रांसफर होगी कैसे चलाओगे? कोई रूल बुक है तुम्हारे पास? भाई अभी तक तो इंग्लैंड से कानून बन के आते थे, खुद आपने बनाया नहीं है, पर अभी अगर पावर ट्रांसफर आज हो जाएगी तो अपने कंट्री को चलाओगे कैसे? कोई रूल बुक है तुम्हारे पास? तो जो कैबिनेट मिशन प्लान बना उसके तहत ये तय हुआ, बनाई जाएगी एक बॉडी जिसका काम होगा संविधान तैयार करना, और जब तुम्हारा संविधान तैयार हो जाएगा तब हम पावर ट्रांसफर करके चले जाएंगे। ठीक है, डोमिनियन वाली जो बात है, डोमिनियन जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा तब हम फाइनली पावर ट्रांसफर करके तुम्हें चले जाएंगे, ये बात हुआ। तो कैबिनेट मिशन प्लान में ही आइडिया आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनानी होगी लोगों की बॉडी, लोगों के ग्रुप, और उसमें ब्रिटिश लोग होंगे, इंडियन लोग होंगे। बोलो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डोमिनियन के तहत, भले हम डोमिनियन होंगे, कैबिनेट मिशन प्लान का क्या आइडिया था? टू प्रिपेयर अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट मिशन प्लान से ही आइडिया आता है टू प्रिपेयर अवर ओन, टू प्रिपेयर अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, हमारा संविधान जो बना वो किस प्लान के तहत आइडिया आया? कैबिनेट मिशन प्लान से आइडिया आया। तो टू प्रिपेयर अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइडिया हमारा कैबिनेट मिशन प्लान से आया। तो कैबिनेट मिशन ने प्रिपेयर किया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने आइडिया दिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वी नीड लोगों की टीम, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वी नीड पीपुल, अवर ओन पीपुल, इंडियन पीपुल। तो वो जो पीपुल्स का ग्रुप होगा वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। टू प्रिपेयर अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैबिनेट मिशन प्लान में एक प्लान तैयार किया गया जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होना है, एंड टू प्रिपेयर दिस, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब दो शब्द समझ आ गए, कैबिनेट मिशन प्लान से आइडिया आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होना है, कैबिनेट मिशन प्लान से आइडिया आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन प्लान से आइडिया आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होना है, और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। कौन होंगे इसमें? लोग होंगे, इंडियन लोग, इंडियन लोग होंगे। ये पॉइंट समझ आ गया? कैबिनेट मिशन प्रिपेयर्ड, कैबिनेट मिशन प्लान टू प्रिपेयर अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चाहिए हमारे लोग। विकास सिंह, क्लास अभी बीच में ज्वाइन की हो क्या? क्लास अभी बीच में ज्वाइन की है विकास आपने? सॉफ्ट कॉर्नर क्यों आप पूछ रहे हैं? ये ब्रिटिश ने हम पे एहसान किया है करके क्या? आपने क्लास बीच में ज्वाइन की है विकास, मुझे लग रहा है। कहीं से भी क्लास ज्वाइन करोगे फिर पूरा रिपीट करूंगा 1 घंटे का। अभी मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, ब्रिटिशर भले जीते, हालत उनकी भी खराब थी, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था बन चुकी थी जो वर्ल्ड पीस की बात कर रही थी,
अपनी इमेज को भी सुधारना था, तो कई सारी कॉलोनी जो ये रूल करते थे उनको फ्री करना था। इंडिया में वायलेंस हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे ज्यादा वायलेंस वाला मूवमेंट था, स्थिति नहीं थी रूल कर पाए। वहां पॉलिटिकल पार्टी लेबर पार्टी पावर में आ गई, पीएम चेंज हो गया, डोमिनियन की डिमांड लगातार हम लोग कर रहे थे कितने सारे रीजन बताए हैं। तो सॉफ्ट कॉर्नर को एहसान थोड़ी कर रहे हैं हम पर वो। तो कैबिनेट मिशन प्लान, हमारा खुद का संविधान बनाया जाए इसके लिए काम करना है, और इसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग होंगे, ब्रिटिशर या इंडियन, ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल या ब्रिटिशर, इसमें होंगे ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल। आपसे पूछ ले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन लोगों का ग्रुप होगा या विदेशी या ब्रिटिशर, ब्रिटिशर नहीं, इंडियन पीपल का ग्रुप होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल। और जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली रेडी हो जाएगा, देन ट्रांसफर ऑफ पावर विल हैपन। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा तब हम ट्रांसफर ऑफ पावर आपको कर देंगे। तो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइजेशन, इसके बाद क्या बात हुई, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ, ये नोट में लिख लो, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन ट्रांसफर ऑफ पावर विल हैपन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तब ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। आपके पास रूल रेगुलेशन होंगे कंट्री को चलाना कैसे है, फिर हम आपको पावर ट्रांसफर करके चले जाएंगे। तो आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन ट्रांसफर ऑफ पावर विल हैपन। अब हुआ क्या, 14 अगस्त तक आते आते इतना वॉयलेंस होने लगा, हिंदू मुस्लिम राइट्स वगैरह दंगे वंगे इतने होने लग गए कि इन्होंने तो कहा था कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा बन जाएगा तब हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, पर इतना वॉयलेंस यहां पर होने लगा कि इनको रातों रात भागना पड़ गया। माउंटबेटन तो उसके बाद भी रहा इंडिया में, 1947 के बाद भी रहा, पर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो इनका प्लान था ट्रांसफर ऑफ पावर इस तरह से करेंगे, उतना टाइम इनको मिला नहीं। इतना वॉयलेंस हुआ, इतने दंगे हुए जगह जगह पर कि इनको जान बचा के भागना मुश्किल हो गया। तो इन्होंने फटाफट इंडिया पाकिस्तान दो कंट्री बना के, और ब्रिटिशर पावर लगभग यहां पर काफी पावर यहां दे दिया इन्होंने। तो माउंटबेटन प्लान वगैरह था, माउंटबेटन उसके बाद सर्व भी किया, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना 50 में। भाई इस बात के हिसाब से तो 1950 में होना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में लागू हुआ पूरी तरीके से, पर 1947 में आप आजाद हो गए। आजादी का दिन आप चॉइस नहीं थी, सेलेक्ट नहीं कर सकते थे पहले से, हालात इतने खराब थे, वॉयलेंस इतना हो रहा था कि जान बचा के भागना मुश्किल हो गया था, रातों रात भागना पड़ गया। तो 14 अगस्त जो पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया डोमिनियन हो गया, तो वो इनके पास चॉइस नहीं बची। इन्होंने प्लान तो ये किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तब पावर ट्रांसफर होगा, तो उतना समय इनको मिला ही नहीं। 1947 में कैबिनेट मिशन प्लान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वर्क 1946 में शुरू हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में तो लगभग अराउंड लगभग 3 ईयर्स लग गए थे, पर इनको तो नेक्स्ट ईयर ही भागना पड़ गया क्योंकि सिचुएशन यहाँ ऐसी हो गई थी कि रूल कर ही नहीं सकते थे, ये भाग गए। तो फिर डोमिनियन वाला जो पॉइंट था, आर्मी हेड इनका रहा, गवर्नर जनरल इनका रहा, और बाकी पावर इंडियंस के पास रही। ब्रिटिशर डोमिनियन में जो डिसाइड किया था इन्होंने, तो डोमिनियन में आर्मी चीफ, माउंटबेटन गवर्नर जनरल, बाकी पावर इंडियन के, नेहरू पीएम हो गए। ठीक है, नहीं तो डोमिनियन भी ये बाद में करते, डोमिनियन भी इतनी जल्दी नहीं मिलता। 1947 में डोमिनियन बन गए, वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि डोमिनियन आपको दे दिया इन्होंने। 49 तक हम, 1950 तक हम डोमिनियन में रहे, 1950 के बाद फिर पूर्ण आजादी हो गई, सब कुछ हमारा होगा, आर्मी चीफ भी हमारा, गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, पीएम हमारा, प्रेसिडेंट हमारा, सब कुछ हमारा। डोमिनियन में पीएम तो था पर अल्टीमेट रूल क्राउन का था। डोमिनियन और पूरी आजादी में अंतर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। डोमिनियन में आर्मी चीफ उनका, गवर्नर जनरल उनका, क्राउन अल्टीमेट हेड वो रहेगा, पीएम हमारा है, मंत्री हमारे हैं, पर हम क्राउन से फ्री नहीं है। पूरी आजादी 1950 में जब आप संविधान जब आपका मिल गया तब डोमिनियन की बात हट गई। तो इन्होंने तय तो ये किया था कैबिनेट मिशन प्लान में कि संविधान बनाइए, उसके लिए संविधान सभा तैयार कर दी जा रही है, लोगों का ग्रुप तैयार कर दिया जा रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाएगा तब पावर ट्रांसफर होगी।
कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार कर लोगे फिर पावर ट्रांसफर शुरू करेंगे। पर सिचुएशन ऐसी बदली कि इतना मौका मिला नहीं, रात रात भागना पड़ गया। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी किस तरह से बनाई गई, कौन लोग इसमें चुने गए, क्या लोगों को जनता ने भेजा था इसमें। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी है 1946, कैसे बनेगी? इंडिया उस समय प्रोविंसेस में बटा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कहां से आएंगे? देखो, इंडिया उस समय दो हिस्सों में बटा था। इंडिया में प्रोविंसेस थी, अंग्रेज जो हम पे रूल करते थे, दो चीजें थी, प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट, प्रोविंसेस जो होती थी, जैसे यूपी आज का उत्तर प्रदेश उस समय हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। आज का मध्य प्रदेश उस समय होता था सीपी, सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यूपी, सीपी, इस तरह के टर्म हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो प्रोविंसेस को ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे, प्रोविंसेस डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिशर। प्रिंसली स्टेट्स इनडायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। इनडायरेक्टली कैसे? इसको चलाते थे राजा, महाराजा, नवाब, निजाम, ये सब। पर अल्टीमेटली वो पूरी तरह फ्री थोड़ी थे, वो भी आंसरेबल थे ब्रिटिशर्स को। तो प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिशर डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, रूल तो करते थे वहां के राजा, महाराजा, वहां पे निजाम, नवाब, पर ब्रिटिशर को जो उनसे फायदे लेने थे, ब्रिटिशर वो बेनिफिट उनसे लेते थे। तो इनडायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, इनको हम कहेंगे इनडायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। इनडायरेक्ट कंट्रोल था, सीधा कंट्रोल नहीं करते थे वो, इन पे इनडायरेक्ट कंट्रोल करते थे। भाई सीधा कंट्रोल करेंगे तो उतना मैनेजमेंट उनको बनाना पड़ेगा, उतने लोग उसका हमें लगाने पड़ेंगे, तो जो वहां के राजा, महाराजा, नवाब, निजाम है वही चलाएं और उनके ऊपर हम बैठ गए, जो बेनिफिट लेना है उनसे लेते रहेंगे। तो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में भारत बटा हुआ था उस समय। भारत प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट, यही सिस्टम चलता था ब्रिटिशर के टाइम पर। कई सारी प्रोविंसेस थी जिनको ब्रिटिश सीधा चलाते थे, डायरेक्ट रूल करते थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनका खुद का होता था। प्रिंसली स्टेट में राजा, महाराजा, नवाब, निजाम, ये चलाते थे और ब्रिटिशर्स के अंडर में, अल्टीमेटली ब्रिटिशर को जो बेनिफिट लेना, रिवेन्यू वो उनको अपना फायदा इससे लेते थे। डायरेक्ट रूल यहां पर होता था डायरेक्टली रूल्ड बाय, कहीं पर होता था किंग, कहीं होता था नवाब, कहीं होता था निजाम, जैसे हैदराबाद में निजाम था। हैदराबाद में निजाम आपने सुने होंगे, प्रिंसली स्टेट एग्जाम्पल के तौर पे बड़ौदा, बड़ौदा राजघराना आपने सुना है, बड़ौदा था। उसके बाद आपका भोपाल था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, ये सब प्रिंसली स्टेट रियासतें थी ना, ये सब रियासतें थी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हैदराबाद तो बहुत बाद में इंडिया में जुड़ा है 1948 में, जम्मू कश्मीर भी आज़ादी के बाद जुड़ा है, 47 के बाद। तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, बड़ौदा, ये बहुत सारी रियासतें रही हैं। इवन इंडिया, जब हिस्ट्री में बताऊंगा मैं, 565 रियासतें थी जिनको वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था बाद में। वो जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा, हिस्ट्री को मैं ज्यादा नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमें बैकग्राउंड चाहिए वो बता रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल आप ये जाने, ब्रिटिश जो सिस्टम यहाँ पर चला रहे थे, इंडिया दो पार्ट में बटा हुआ था, कुछ थी प्रोविंसेस, कुछ थी प्रिंसली स्टेट, ठीक है। इस तरह से भारत में सिस्टम चल रहा था, प्रोविंसेस, यूपी, सीपी, ये सब जो प्रोविंसेस, सब ब्रिटिश सीधे रूल करते थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सब उनका था। प्रिंसली स्टेट, राजा, महाराजा, नवाब, निजाम, अलग अलग जगह अलग नाम थे, वो लोग चलाते थे, पर इनडायरेक्टली ब्रिटिश का ही कंट्रोल था, इनडायरेक्ट, सीधा नहीं। मैनेजमेंट वगैरह सब ये देख रहे थे, ब्रिटिशर को जो बेनिफिट लेना था वो इनसे बेनिफिट लेते थे। जब इंडिया ही पूरा का पूरा ये दो तरह से बटा हुआ था कि हमारे यहाँ प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट थे, और हमारे ही लोगों को मिलाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, तो इसके मेंबर कहां से लाओगे? यहीं से तो लाओगे।
अब इसके अंदर जो मेंबर चाहिए जो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेंगे वो यहीं से तो लेकर आओगे। तो एक फार्मूला बनाया, हर 10 लाख पॉपुलेशन पर 1 रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लिया जाएगा। हर 10 लाख पॉपुलेशन पर 1 रिप्रेजेंटेटिव, 1:10 लाख, ये रेशियो तय किया कैबिनेट मिशन प्लान में, डिसाइड किया 1:10 लाख का रेशियो रहेगा, 1 रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम एवरी 10 लाख पॉपुलेशन, 1:10 लाख का रेशियो रहेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फ्रॉम एवरी 10 लाख पॉपुलेशन, ये रेशियो रहेगा। मतलब मान लो यूपी में 1 करोड़ की जनता है, तो कितने सीटें वहां से आएंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर वहां से आएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कहां से बनेंगे। अब 1:10 लाख, अगर 1 करोड़ की आबादी है किसी प्रोविंस में या किसी प्रिंसली स्टेट में, तो वहां से कितने मेंबर आएंगे, हर 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। 1 करोड़ है तो 10 रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, 1 करोड़ है अगर तो 10 रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर का जो लाना है, जो सीटें भरनी है, वो कैसे आएंगी, प्रोविंसेस से आएंगे और प्रिंसली स्टेट से आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के लिए फार्मूला रहेगा 10 लाख पे 1, हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा, उतने मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिए जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कैसे होंगे देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स कैसे होंगे, प्रोविंसेस से लिए जाएंगे और प्रिंसली स्टेट से लिए जाएंगे। प्रोविंसेस में कैसे लिए जाएंगे, प्रोविंसेस में विधानसभाएं होती थी, विधानसभाएं उस समय तक थी, इंडियन लोग चलाते भी थे विधानसभाएं, तो प्रोविंसेस के अंदर विधानसभाएं उस समय होती थी, इंडियन लोग विधानसभाओं को चलाते भी थे, तो वहां जो विधायक बैठे हैं वो लोग अपने में से इलेक्ट करके भेजेंगे, अपनी प्रोविंस के लिए वो विधायक जो हैं विधानसभा के वो भेजेंगे, किसको भेजना है असेंबली में। डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ प्रोविंसियल प्रोविंसियल असेंबलीज, मतलब जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वहां जो सदस्य हैं वो इलेक्ट करके भेजेंगे, वो वोट करेंगे, वो इलेक्ट करके भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसको जाना है। डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग नहीं होगी, नो डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य कैसे बनेंगे, विधानसभाएं जो बनी हैं प्रोविंसेस में वहां जो लोग बैठे हैं वो इलेक्ट करके भेजेंगे प्रोविंसेस में। डायरेक्ट इलेक्शन तब बोलते अगर पब्लिक वोट कर रही होती। क्या यहां पे डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग थी, क्वेश्चन आएगा देखो ऐसे, क्या डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग का प्रोविजन था क्या, नहीं, डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग नहीं था भाई। विधानसभाओं में जो सदस्य बैठे हैं, इंडियन लोग बैठे हैं विधानसभाओं में, प्रोविंसेस में इंडियन थे उस समय तक, तो वो भेजेंगे प्रोविंसेस में किस, प्रोविंसेस में विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स को। और प्रिंसली स्टेट वाले कैसे भेजेंगे, नेगोशिएटिंग कमेटी बनी थी, एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनी थी, तो प्रिंसली स्टेट में जो राजा महाराजा नवाब इन लोगों से बातचीत करके कंसल्ट करके प्रिंसली स्टेट के मेंबर आएंगे, ये होंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अगर मैं इस क्लास में एक मॉनिटर बनाऊं और आप लोगों से कहूं वोट करिए कि राकेश को मुझे मॉनिटर बनाना है, बनाए कि ना बनाए, और आप लोग वोट करके डिसाइड करो,
तो आप लोग वोट करोगे, अगर राकेश के फेवर में वोट आएगा तो राकेश बन जाएगा, यहाँ वोटिंग हुई है इसे हम कहेंगे इलेक्टेड मेंबर है। पर मैं क्लास का टीचर हूं, मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं और मैंने कह दिया राकेश आज से मॉनिटर है, तो मैंने नॉमिनेट कर दिया। दो तरीके हैं, एक है इलेक्ट, एक है नॉमिनेट। इलेक्ट का मतलब जहां वोटिंग हुई हो, तो वोटिंग पब्लिक ने की हो ना की हो उससे मतलब नहीं है, वोट पड़ा हो, वोटिंग हुआ हो तो वो इलेक्टेड मेंबर है। ठीक, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति में सीधे पब्लिक वोट नहीं करती, वहां भी तो चुने हुए मेंबर हैं वो वोट करते हैं, पर इलेक्शन तो वो भी माना जाएगा। जहां वोटिंग हो रही है वो इलेक्शन है, और जहां पे राजा महाराजा बातचीत करके सीधे तय कर दे रहे हैं वो नॉमिनेटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर कैसे बनेंगे? प्रोविंसेस से आएंगे, विधानसभा में जो सदस्य बैठे हैं वो इलेक्ट करेंगे, वो वोट करेंगे। जैसे यूपी की विधानसभा, मान लो यूनाइटेड प्रोविंस था उस समय, वहां जो विधानसभा थी वो लोग वोट करेंगे तो यूनाइटेड प्रोविंस के सदस्य पहुंचेंगे। सेंट्रल प्रोविंस वाले विधायक सब वोट करेंगे तो सेंट्रल प्रोविंस वाले मेंबर पहुंच जाएंगे जहां से जितने पहुंचने। मान लो यूपी के कोटे में 10 सीट है, तो जो यूनाइटेड प्रोविंस था उस समय वहां जो विधायक बैठे हैं वो 10 मेंबर को तय करके भेजेंगे किसको भेजना है। सेंट्रल प्रोविंस में मान लो 7 मेंबर जाने हैं, तो जो विधानसभा में विधायक बैठे हैं वो तय करेंगे किसको भेजना है। अब मैसूर राजघराना है, वहां से मान लो 3 लोगों को भेजना है, तो वहां का जो राजा होगा कंसल्ट करके बातचीत करके, वो इलेक्ट वोटिंग नहीं होगी वहां, वहां सीधे नॉमिनेट करके भेज देगा वो कि ये 3 लोग हमारे यहां से जाएंगे, वहां वोटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन एंड नॉमिनेशन? इलेक्शन का मतलब है जहां वोटिंग हो रही है, इलेक्शन का मतलब है जहां वोटिंग हो रही है, और यहां वोटिंग नहीं है, यहां नॉमिनेशन है। आगे भी ये सब कई बार होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर का क्या मतलब है, इलेक्टेड मेंबर का क्या मतलब है। सिंपल सी बात, जहां वोटिंग हुई वो इलेक्टेड है, चाहे पब्लिक ने वोट किया हो चाहे हाउस के मेंबर ने वोट किया हो, जहां वोट पड़ा वो इलेक्टेड मेंबर है, और जहां सीधे किसी ने कह दिया ये बनेगा, कोई वोटिंग नहीं हुआ, वो नॉमिनेटेड होगा। क्या यहां तक पूरी बात क्लियर है? टफ तो नहीं लग रहा कुछ? एक फ्लो में पूरा मैं जोड़ता चला गया कहानी को, घबराए तो नहीं कुछ, परेशानी तो नहीं किसी को? सारी बातें समझ आ रही हैं? स्पीड तेज तो नहीं है? अब क्योंकि बैकग्राउंड से जोड़ते हुए चल रहा हूं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, क्लैरिटी आएगी कि संविधान रातों रात नहीं बन गया, काफी इसमें मशक्कत हुई। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर प्रोविंसेस से और प्रिंसली स्टेट से, यहां से इलेक्ट होकर आए, यहां से नॉमिनेट होकर आए। अब ऐसे करके टोटल कितने मेंबर आए? टोटल मेंबर की संख्या पार्टीशन के पहले 389 थी, पर जब पार्टीशन हो गया, मुस्लिम लीग अलग हो गई भारत से, तब फिर वो सब मेंबर हट गए इससे, 299 बचे। तो ऐसे करके टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स थ्री एट्टी नाइन, ये थे बिफोर इंडिपेंडेंस, और आफ्टर पार्टीशन, और ये बचे 299 आफ्टर पार्टीशन। तो संविधान सभा में इस प्रोसेस से टोटल कितने सदस्य आए? 389 आजादी के पहले संख्या थी। अब क्योंकि जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो जो उस पूरे रीजन के मेंबर थे वो सब हट गए, अलग हो गए, तो हमारी स्ट्रेंथ बची 299। फिर हमारी स्ट्रेंथ बची 299। इसमें भी बाइफर्केशन अगर देखोगे तो 229 तो प्रोविंसेस से थे और 70 थे प्रिंसली स्टेट से। इतने थे प्रिंसली स्टेट से और ये थे प्रोविंसेस से। कितनी प्रोविंसेस से? 12 प्रोविंसेस से, फ्रॉम 12 प्रोविंसेस, और ये थे
फ्रॉम 29 प्रिंसली स्टेट्स, फ्रॉम 29 प्रिंसली स्टेट्स, ये था स्टेटस। तो संविधान सभा के टोटल मेंबर 389 आजादी के पहले, पार्टीशन जब हो गया तो पाकिस्तान साइड के मेंबर सब अलग हो गए, 299 हमारी स्ट्रेंथ बची, 229 12 प्रोविंसेस से आए थे, 229 जो स्ट्रेंथ थी वो 12 प्रोविंसेस से, और 70 जो हैं वो 29 प्रिंसली स्टेट से थे, ये हमारी स्ट्रेंथ थी उस समय। हाँ, 1:10 लाख दोनों से शेड्यूल, 1:10 लाख का ही फार्मूला ही लिया गया था, हर 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, 1:10 लाख का ही फार्मूला लिया गया था, हर 10 लाख पे एक। नेक्स्ट पॉइंट, 229 प्रोविंस से, 70 प्रिंसली स्टेट से। अगला पॉइंट, इसमें से भी जब संविधान फाइनली साइन हुआ है, संविधान जब फाइनली साइन हुआ है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये तो स्ट्रेंथ हो गई, संविधान बनाने का काम शुरू हो गया, संविधान जब फाइनल हुआ है, फाइनल जब साइन किया गया है, उस समय स्ट्रेंथ कितनी थी? उस समय 284 मेंबर थे। तो वो आगे में ध्यान दिलाना, मैं आगे लिखवाऊंगा, अभी संविधान बनने का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद मुझे ध्यान देना, फिर लिखाऊंगा मैं। वहां 284 लोग उसमें शामिल थे, तो अभी तो संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। तो 229 प्रोविंस से आए, 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से आए। अब संविधान सभा के मेंबर पूरे हो गए, अब शुरू हुआ संविधान बनाने का काम, मेंबर पूरे हो गए, अब कामकाज शुरू हुआ। नौ दिसंबर 1946 दिल्ली, 9 दिसंबर 1946 दिल्ली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये वर्ड देखो बार बार आ रहा है, शॉर्ट में सीए लिख लो इसको। 9 दिसंबर 1946 दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग, विधानसभा की पहली मीटिंग, प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए गए कामकाज शुरू करने के लिए, कि जस्ट हमारी बातचीत बैठक शुरू हो, कामकाज शुरू हो, प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए गए। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके दो दिन बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए संविधान सभा के, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एस परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे, इस बार सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी आया था, सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि पॉलिटी कोई भी पढ़ा रहा हो जरूर पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ, हर कोई पढ़ाता है इसको, तो ये पेट क्वेश्चन है, कि मतलब आता ही आता है, हर एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार।
ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को बने कार्रवाई शुरू करने के लिए, कामकाज को शुरू करने के लिए, कामकाज को शुरू करने के लिए। उसके बाद जब सब कुछ प्रोसेस शुरू हो गया, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया गया परमानेंट प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति नहीं बोल रहा हूं मैं, देश का राष्ट्रपति नहीं कह रहा हूं, संविधान सभा का अध्यक्ष, कि अब ये हेड बन गए, चेयरमैन बन गए एक तरीके से। अब सारा कामकाज शुरू किया जाए, अब सारा कामकाज शुरू किया जाए। तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की। कामकाज टेम्परेरी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इनके बाद फिर 2 दिन में इलेक्ट कर लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाए। फिर इलेक्ट कर लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे। एक सवाल मुझे और बताइए, संविधान सभा जो बनी थी वो पूरी तरह से इलेक्टेड बॉडी थी, नॉमिनेटेड बॉडी थी, दोनों थी? क्या आंसर लगाएं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपने देखा कि मेंबर किस तरह से आए, ये पूरी तरह से इलेक्टेड बॉडी है, नॉमिनेटेड है, या दोनों है? क्या आंसर होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, या दोनों? पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये थी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ये पूरी तरह से इलेक्टेड या पूरी तरह से नॉमिनेटेड नहीं, थोड़ी थोड़ी दोनों, पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड। लिख लो इसको भी। पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड। अब इसमें 9 तारीख को मीटिंग शुरू हुई, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिए गए कि मेंबर वेम्बर सब डिसाइड हो गया। 2 दिन बाद इलेक्शन होके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाइनल हो गए, अब कामकाज शुरू होगा। तो संविधान बनाने की दिशा में अब काम शुरू किया जाए। तो 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 दिन में 13 दिसंबर को पेश किया जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? अब हमें किस दिशा में काम करना है, अब कामकाज शुरू होने जा रहा है संविधान बनाने का, लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से संविधान बनाने का हमें काम शुरू करना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने तैयार किया था? ड्राफ्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आता है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू ने जो तैयार किया, इसी की झलक आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेगी। संविधान की जो प्रस्तावना लिखी है, प्रियम्बल लिखी है, जैसे बुक का प्रीफेस होता है वैसे संविधान में प्रियम्बल है, तो इसकी झलक आपको वहां भी देखने को मिलेगी कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव शब्द का मतलब ये उद्देश्य, कि संविधान को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं संविधान के लिए। कि नेशनल मूवमेंट में इतने लोगों ने त्याग दिया, बलिदान दिया, एक इतना लंबा स्ट्रगल जो चला, तो आज अगर संविधान हम बना रहे हैं, लोग हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, कैसा हो हमारा संविधान। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू ने इस तरह से लिखा कि जैसे लोगों की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता हो, कि हमारा जो एक लंबा एक स्ट्रगल चला, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, कि संविधान जब बने लोगों को अधिकार मिलने चाहिए।
इतना जो एक्सप्लॉयटेशन लोगों ने झेला, ऊंच नीच, असमानता, अधिकार, ये सारी चीजें लोगों को मिले, संविधान से लोगों को क्या आकांक्षाएं, क्या इच्छाएं हैं जिनको हम फुलफिल करें। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू ने इस तरह से लिखा कि जो लोगों के एस्पिरेशंस को भी रिफ्लेक्ट करता हो, क्योंकि संविधान बनाने का काम अब शुरू हो रहा है, उसको एक डायरेक्शन हमें क्या रखनी है, लाइन ऑफ एक्शन हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमें ये एक बेसिस, एक आइडिया देता है। किसने लिखा था? नेहरू ने लिखा था। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिफाइंड द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम क्या होगा, होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मैंने बताया, एक तरह से लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा, हम संविधान बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, किस दिशा में हमें काम करना चाहिए। तो एक तरीके से संविधान सभा का उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और लोगों की इच्छाएं क्या हैं, हमारा संविधान से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, कैसा होना चाहिए। इट ऑल्सो कंटेन्स द इट ऑल्सो contains the aspirations and values behind the constitution। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में ये दोनों बातें ठीक हैं, संविधान सभा का उद्देश्य क्या होगा, कैसे काम करना है, और एस्पिरेशन और वैल्यू सिस्टम, संविधान के पीछे क्या लोगों की अपेक्षाएं संविधान से क्या है, क्या वैल्यू सिस्टम फॉलो किए जाए, वो भी ये कंटेन कर रहा है। इससे हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि संविधान सभा किस तरह से काम शुरू करे, लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वैल्यू सिस्टम को मेंटेन भी करे, लोगों की अपेक्षाओं को भी फुलफिल करे। तो एक ऑब्जेक्टिव, एक लाइन ऑफ एक्शन, एक दिशा देने का काम कर रहा है। लिख लिया। तो 13 दिसंबर को नेहरू ने पेश किया, ये इंट्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने लिखा था। जनवरी में संविधान सभा ने इसको एडॉप्ट कर लिया, जनवरी 1947 में इसको एडॉप्ट कर लिया गया कि अब इस तरह से काम शुरू करेंगे, इसी को मानकर दिशा, एक डायरेक्शन हमें ये दे रहा है, इससे आगे बढ़ेंगे। तो संविधान सभा एडॉप्टेड, ये पेश हुआ, पूरा पढ़ा गया, सब चर्चा हुई, फाइनली तय हो गया, इसी को आधार मानकर हम आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, जनवरी 1947 संविधान सभा एडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब क्या करेंगे, संविधान बनाना इतना बड़ा एक काम है, सब लोग मिलकर एक ही काम करेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए अलग अलग कमेटी बना दी गई, अलग अलग कमेटी बना दी और हर कमेटी को वर्क असाइन कर दिया, अलग अलग कमेटी बना दी गई और हर कमेटी को वर्क असाइन कर दिया, आप इस पे काम करो, आप इस पे काम करो, ताकि इफेक्टिवली प्रोडक्टिविटी के साथ काम अच्छा हो पाए, प्रोडक्टिव वर्क हो, एफिशिएंट मैनर में वर्क हो पाए। तो कई सारी कमेटीज बना दी गई, अलग अलग कमेटी बना दी गई, उनको वर्क असाइन कर दिए गए। After that, different
कमिटीज वर फॉर्म्ड एंड वर्क्स असाइंड। आफ्टर दैट डिफरेंट कमिटीज वर फॉर्म्ड एंड वर्क्स असाइंड, अलग अलग कमेटी बन गई, सबको अलग अलग काम असाइन हो गए। आठ मेजर कमेटी, ज्यादातर कमेटी आप देखेंगे पांच लोग अध्यक्ष होते थे, अलग अलग टीमें बना दी, मतलब संविधान सभा में अलग अलग टीमें बना दी, टीमों को काम दे दिए और हर टीम में एक टीम लीडर बन गया। संविधान सभा में इतने सदस्य थे तो टीमें फॉर्म कर दी, टीम फॉर्मेशन करके हर टीम में एक हेड बिठा दिया कि वो अपना वहां से रिपोर्टिंग ले, टीम लीडर बैठ गया। कमेटीज जैसे कि एट मेजर कमेटीज वर फॉर्म्ड एट मेजर कमेटीज वर फॉर्म्ड एंड मोस्ट ऑफ देम वर हेडेड बाई, ज्यादातर कमेटियों के हेड थे नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये पांच लोग, ज्यादातर कमेटी यही लोग हेड करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे उनमें अलग अलग टीमें बना दी गई, अलग अलग कमेटीज बना दी गई, बहुत सारी कमेटी थी, आठ मेन कमेटी थी, बहुत सारी कमेटीज बनी थी, आठ मेजर कमेटीज बनी थी। और ज्यादातर कमेटी के आप हेड देखोगे नेहरू, पटेल, आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर, ये लोग होते थे। मैक्सिमम कमेटी में यही लोग चेयरमैन देखोगे आप। सब कमेटी के नाम वाम जरूरी नहीं है, बस उतनी चीजें बता रहा हूँ जो काम की है। हर कमेटी के नाम वाम जरूरी नहीं है, एक दो कमेटी देख लो। तो आठ मेजर कमेटी, कमेटी बहुत सारी थी, उनमें आठ मेन कमेटी, पर ज्यादातर के हेड ये लोग होते थे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे फंडामेंटल राइट्स, एंड माइनॉरिटीज के लिए कमेटी थी, इसके चेयरमैन थे पटेल, हेडेड बाई वल्लभ भाई पटेल। अब देखो, वल्लभ भाई पटेल को सबसे बड़ा क्रेडिट ये दिया जाता है कि उन्होंने भारत को एक किया। सबसे बड़ा क्रेडिट यही है ना कि 565 रियासतें थीं आज़ादी के बाद, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने इंडिया को इंडिया बनाया, सबको जोड़ा। कई लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, इन्होंने सबको एक किया। ये डिप्टी पीएम भी थे, ये होम मिनिस्टर भी थे, डिप्टी पीएम भी यही थे, होम मिनिस्टर भी यही थे। तो एक कमेटी मैं आपको बताता हूँ, स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी का काम था जो रियासतें वगैरह थी, स्टेट्स वगैरह थी, उनसे नेगोशिएशन करना, उनसे बातचीत करना और उनको कैसे भारत में मिलाना है। स्टेट्स कमेटी जो थी उसी का काम था रियासतों से नेगोशिएट करना और किस तरह से उनको इंडिया में जोड़ना है। नेहरू को उल्टा लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ये नहीं पता कि स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन नेहरू थे, स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू। तो वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी थी कि देश को एक करना है, रियासतों से बात करके जोड़ना है, पर कमेटी के चेयरमैन नेहरू थे, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, तो उनका भी तो अप्रूवल था इसके अंदर। जब चेयरमैन वो थे कमेटी के तो उनका भी तो अप्रूवल था इसमें, हेडेड बाय नेहरू। पर्सनल डिफरेंसेस थे पर देश के लिए लोग मिलकर भी काम करते थे। इंटेलेक्चुअल लोग जहां पर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर कोई सबकी हर बात से एग्री नहीं करता, पर उसका मतलब दुश्मनी नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना दुश्मनी नहीं है, जैसे आजकल पॉलिटिक्स में लोग दुश्मन हो जाते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था, डिबेट डिस्कशन होते थे उस समय भी, पर उसका मतलब दुश्मनी नहीं होता था।
जिन मौकों पर सहमति बन रही है डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे, अच्छे कंक्लूजन भी निकलते थे, अच्छे रिजल्ट भी होते थे, जैसे कि इंडिया को यूनाइट करना। तो फंडामेंटल राइट कमेटी थी, वल्लभ भाई पटेल हेड थे, स्टेट्स कमेटी नेहरू हेड थे, कई कमेटियां थी, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अम्बेडकर हेड थे। तो पॉइंट समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर आ गए, अब उन मेंबर में से टीमें बनानी हैं और वो टीम अपना अपना काम करेगी, हर टीम को चेयरमैन हेड करेगा, हर टीम को एक पर्सन हेड करेगा। ज्यादातर कमेटी ये 5 लोग हेड करते थे। स्टेट्स कमेटी क्या करती थी? नेगोशिएशन विद द स्टेट्स। नेगोशिएशन विद द स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो थे, कैसे वो भारत में जुड़े, उनसे नेगोशिएशन वगैरह करने का काम इनका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी जी कभी सदस्य रहे? देखो, गांधी जी कांग्रेस में शुरुआत में कुछ समय जुड़े थे, बाद में उन्होंने इससे अलग कर लिया था खुद को। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे कभी, जिन्ना भी नहीं थे, पार्टीशन के पहले भी जिन्ना सदस्य नहीं थे। जिन्ना और ये गांधी जी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नॉट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य ये दोनों नहीं रहे हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है इस पर, क्या संविधान सभा में ब्रिटिश लोग थे? नहीं। गांधी जी थे? नहीं। जिन्ना थे? नहीं। क्या जिन्ना की पार्टी थी? यस, जिन्ना की पार्टी थी, पर जिन्ना उसका हिस्सा नहीं बने थे, उनका विरोध था इस पर। तो गांधी जी की एज भी काफी उस समय हो चुकी थी और वो पॉलिटिक्स में इस तरह से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते थे। जब इंडिया आजाद भी हुआ, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, गांधी जी नोआखोली में दंगे किस तरह रोके जाएं उसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो गांधी, एक बहुत दुर्भाग्य है कि यूथ इस तरह से मिसगाइडेड है गांधी को लेकर, उसको जानकारी नहीं है, गांधी के बारे में नॉलेज ही नहीं है लोगों को, ना पढ़ने वालों को ना पढ़ाने वालों को। और जो समझाने वाले लोग हैं उनकी बात को पहले, हर चीज मसाला चाहिए, तोड़ मरोड़ के सेलेक्टिव बात तोड़ के निकाल लो। गांधी को जो क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत, मतलब भारत में अगर गांधी की इज्जत नहीं है तो फिर किसी की नहीं हो सकती। कॉन्ट्रीब्यूशन गांधी का कितना, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे, या बाकी लोग जिनको गांधी का योगदान समझना है, 3-4 चीजों के लिए गांधी को लोग ब्लेम करते हैं कि पार्टीशन गांधी ने कराया। अरे भाई, पार्टीशन में गांधी का रोल कहाँ से हो गया? या पीएम नेहरू को बना दिया, वो भी गलत आर्गूमेंट है उस पर। या एक उसमें एलिगेशन लगता है कि भगत सिंह को बचा लेते, भगत सिंह के फादर मर्सी पिटीशन डाली, उस पर तो भगत सिंह एग्री नहीं हुए, गांधी वाले पे कैसे मानते? और गांधी ने प्रयास नहीं किया, ये बात गलत है। यूट्यूब पे 2 वीडियो पड़े हैं, भारत और गांधी, मैंने पढ़ाया हुआ है, 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2, कुछ लोगों ने देखा होगा, भारत और गांधी पार्ट 1 पार्ट 2। जो वाकई में इंटरेस्टेड है जानने में, जिसको व्हाट्सएप के हिसाब से मानना है वो मान के बैठे, जो वाकई में इंटरेस्टेड है जानने के लिए, वो 2 वीडियो देखे और भी पढ़े, उसके बाद ओपिनियन बनाए। ऐसे नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं कोई फोटो के ऊपर, किसी बात पर, कुछ नहीं पता कि नेहरू की फोटो फैमिली मेंबर के साथ है, किसके साथ है, जानते ही नहीं लोग। हिस्ट्री में आरोहण पे ही पढ़े हुए हैं, यूट्यूब पर सर्च करोगे आसानी से मिल जाएगा, भारत और गांधी पार्ट 1 पार्ट 2, देख लोगे, ओपिनियन चेंज हो जाएगा। मतलब ओपिनियन अच्छा बुरा जो भी बनाओ, पर पूरी बात जानने के बाद बनाओ। आजकल जो ट्रेंड चल गया है ना, किसी का भी करेक्टर असैसिनेशन, कहीं सेलेक्टिव बात निकाल लो, वो बहुत गलत है। और गांधी अकेले इंडिया के नहीं, ग्लोबल लीडर है। फॉरेन पॉलिसी जब जीके में हम थोड़ा देखेंगे, आसपास के पड़ोसियों से रिश्ते कैसे हैं, तो घूम फिर के नेहरू की पॉलिसी पे आना पड़ता है। फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे नेहरू। चाइना वॉर इंडिया नहीं झेल पाया, वो गलती हुई, मिसकैलकुलेशन हुआ। पर युद्ध अगर बाहर से कोई कर देगा तो आप थोड़ी कैलकुलेट कर पाओगे हर बार, वो तो कभी भी स्थिति हो सकती है। नेहरू के बाद भी युद्ध हुए, वो अलग, जब जीके करंट अफेयर बताऊंगा तब बात करेंगे। बाकी गांधी का टॉपिक देखना है तो वो देख सकते हो, हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर चर्चा होगी। तो गांधी और जिन्ना ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। अब कुछ लोग एकदम से अभी कह रहे होंगे, नहीं नहीं सर, गांधी जी ने ये किया था। अरे पहले देख लेना तब बताना मुझे, अब अभी मैं उस पर डिस्कशन करूंगा तो 2 घंटे चला जाएगा उसमें। गांधी जी और जिन्ना ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग एज अ पार्टी ज्वाइंड, बट कुछ ही टाइम में उसने बायकॉट कर दिया था। मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी थी, इनकी पार्टी थी मुस्लिम लीग एज अ पार्टी ज्वाइंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट बॉयकॉट इट। मुस्लिम लीग एज अ पार्टी ज्वाइन की थी, क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग एज अ पार्टी ज्वाइन की थी कि नहीं। यस, जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग, क्या जिन्ना उसके मेंबर थे? नहीं, जिन्ना नहीं थे, उनका विरोध था इस पर। अब मैंने नेहरू के बारे में एक बात कही, तो उसका मतलब है नहीं कि नेहरू ने कभी गलतियां नहीं की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो 24 घंटे 365 दिन अच्छा हो। जो काम करेगा वो गलतियां भी करेगा। पटेल ने कभी कोई गलती नहीं की, ऐसा भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, कुछ कुछ स्पीच अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा इस स्पीच की जरूरत क्या थी। तो सिलेक्टेड होकर नहीं बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति काम करेगा वो गलतियां भी करेगा। गांधी ने उल्टा मना भी किया दोनों को। उनके अपने डिफरेंसेस भी थे नेहरू पटेल के, पर दोनों साथ में काम भी करते, डिफरेंसेस भी थे, पर जहां तारीफ बने तारीफ भी करते थे। आज की तरह पॉलिटिक्स नहीं थी। तो संविधान सभा के सदस्य ये दोनों नहीं थे। मुस्लिम लीग एज अ पार्टी ये ज्वाइन की थी संविधान सभा को, पर कुछ ही समय में ये बाहर हो गई थी। फिर तो पार्टीशन ही हो गया था। जब पार्टीशन हो गया तो अलग ही हो गए। मुस्लिम लीग जब जुड़ी भी थी तब भी बायकॉट कर रही थी इसका, और कुछ टाइम में ये अलग ही हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट। तो इतनी सारी पार्टीज जो तैयार हुई, इतनी सारी पार्टीज में कह रहा हूँ, इतनी सारी जो ये कमिटीज बनी थी, कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट सब तैयार की। इतनी सारी कमिटीज बनी थी, वेरियस कमिटीज प्रिपेयर्ड देयर रिपोर्ट्स एंड सबमिटेड इट टू एक एक्सपर्ट हुआ करते थे, बी एन राव। बी एन राव ये संविधान सभा के एडवाइजर थे, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट मेंबर। तो इंटरनेशनल लॉज वगैरह को जानते थे, देश दुनिया के बहुत सारे संविधान की इनको जानकारी थी। तो बी एन राव एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, देश दुनिया के बहुत सारे संविधान की जानकारी रखते थे। ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, इनको हायर किया गया था। बी एन राव इंटरनेशनल बहुत चीजों के एक्सपर्ट थे, तो इनको हायर किया गया था इस काम के लिए। तो एडवाइजर थे, मेंबर नहीं थे। बी एन राव एडवाइजर थे संविधान सभा के, मेंबर नहीं थे। तो जो कमेटी रिपोर्ट बना रही थी वो रिपोर्ट फिर इनको भेजी गई। कमेटीज जो रिपोर्ट बना रही थी वो रिपोर्ट इनको भेजी गई। इन्होंने अलग अलग रिपोर्ट्स को पढ़कर फिर ड्राफ्ट तैयार किया उस पर। तो कमेटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाई, जो टीमें काम कर रही थी वो टीमें अपने अपने काम को करके, उन्होंने बी एन राव इनको जमा किया। बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे, मेंबर नहीं थे। बी एन राव तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिपोर्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिपोर्ट्स बी एन राव प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। तो इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर जो जो कमेटी अपनी अपनी रिपोर्ट भेज रही थी, तो बी एन राव ने उन कमेटीज की रिपोर्ट के आधार पर जो जो चीजें उसमें से लेनी थी, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया इस पर। उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट तैयार किया, मतलब सब चीजों में जो जो चीजें ठीक लगी उनको इकट्ठा किया। तो कमेटीज अपना अपना काम कर रही थी, सारी टीमें अपने अपने काम को करके बी एन राव को उन्होंने दिया। ये संविधान सभा के सलाहकार थे, एडवाइजर थे और मेंबर नहीं थे। तो इन रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार किया।
रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। अब इतना सारा डाटा आ रहा था तो एक व्यक्ति तो सब काम नहीं कर सकता था, इन्होंने एक समरी फॉर्म में या इन्होंने अपना एक ड्राफ्ट बना दिया जो उनको ठीक लगा, जिससे आगे टीम को मदद मिल जाए। फिर एक बकायदा टीम बनाई गई 29 अगस्त 1947 को, ड्राफ्टिंग कमेटी का ही गठन किया गया कि अब लिखना शुरू हो, फाइनल काम शुरू हो इस पर। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसमें सेवन मेंबर्स थे, 6+1 कौन है? चेयरमैन। कौन चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? बहुत आता है क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। जब फाइनल ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ तो जो कमेटीज की रिपोर्ट आई बी एन राव के पास, उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 29 अगस्त 1947, उन्होंने फाइनल लिखने का काम, संविधान को उसका रूप देने का काम शुरू किया। संविधान को फाइनल जो ड्राफ्ट तैयार करना है उसको रूपरेखा देने का काम शुरू किया। सेवन मेंबर कमेटी थी ये। तो 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, सेवन मेंबर इसमें डिसाइड हो गए, अब ड्राफ्ट बनना शुरू होगा, इसकी ड्राफ्टिंग शुरू होगी। वॉज एस्टेब्लिश या कॉन्स्टिट्यूटेड। तो 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, सेवन मेंबर होंगे, 6+1 कौन है? चेयरमैन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पूरा संविधान अकेले इन्होंने नहीं बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इस कारण इनको आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे इसलिए इनको फादर या आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब आपसे पूछा जाए, भाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारा संविधान थोड़ी उन्होंने तैयार किया, कई सारी कमेटी बनी थी, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ड्राफ्ट जब फाइनल ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी है सेवन मेंबर्स की कि फाइनल उसको रूपरेखा देनी है, उसके चेयरमैन ये थे। फाइनल जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है सेवन मेंबर्स की, उसको फाइनल जब ड्राफ्ट तैयार करना है, उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, फादर या आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। आजाद भारत में पहले कानून मंत्री भी आगे जाकर यही बने हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले कानून मंत्री भी यही बने थे आगे जाकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का बर्थ प्लेस कहां है? इनका बर्थ प्लेस है मऊ। अभी कहां पड़ता है ये? आज की डेट में ये पड़ता है मध्य प्रदेश, और पहले कानून मंत्री भी रहे हैं भारत के, लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर बर्थ प्लेस मऊ, अभी ये मध्य प्रदेश में है, और ये पहले कानून मंत्री भी रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, अब ड्राफ्ट होना शुरू हुआ, फाइनल ड्राफ्टिंग शुरू हुई। बाकी छह मेंबर कौन कौन थे? स्टेट पीसीएस वगैरह में आ जाता है, कभी सीजीएल में पूछ सकता है। बाकी छह मेंबर कौन कौन थे? एक थे इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक थे के एम मुंशी, एक थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, दो लोग और थे,
डीपी खेतान और बी एल मित्तर, बी एल मित्तर और एक थे डीपी खेतान, ये 6 लोग थे, तो टोटल 7 मेंबर थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान, ये सब सदस्य थे। बी एल मित्तर और डी पी खेतान कुछ टाइम बाद रिप्लेस हो गए थे, ये दोनों कुछ टाइम बाद रिप्लेस हो गए थे। बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था माधव राव, मेंबर 6 ही थे, कुछ कारणों से ये रिप्लेस हो गए थे, रिप्लेस बाई माधव राव। और इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णाचारी, का नाम टीएम कृष्णाचारी या क्या नाम था, टी कृष्णाचारी ये लिख लो, कृष्णाचारी वर्ड याद रखो, टीटी कृष्णाचारी नाम था शायद। तो बीएल मित्तर माधवराव ने कुछ टाइम पे रिप्लेस कर दिया था, टीपी खेतान को रिप्लेस किया था, यही नाम था, टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी। तो 6 मेंबर ये 6 थे, शुरू में ये दोनों थे, बाद में रिप्लेस होके ये दोनों आ गए थे। तो अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्ट होने का काम शुरू करना था इनको, ये 7 मेंबर मिलके, चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर, और 6 लोग इसमें ये थे, 2 लोग बाद में रिप्लेस होके ये दोनों आ गए थे। इनका काम था ड्राफ्टिंग करना, फाइनल इसको लिखना। अब एक एक चीज जो बनती जा रही थी उस पर डिबेट डिस्कशन होते थे, एक एक चीज जो बनती जाती थी उस पर फिर डिबेट डिस्कशन किया जाता था, किसको रखना है, किसको मॉडिफाई करना है, ये काम होते थे। इतना ही रखें आज, चलो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कहानी अब कल देखेंगे, फिर इसके आगे कहानी कल देखेंगे। अब आपको बैकग्राउंड एक समझ आ गया है, पॉलिटी इसी में आगे बढ़ता जाएगा। किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछ लो। ड्राफ्ट करने का मतलब होता है शेड्यूल, जो जो चीजें आ गई हैं अब उनकी डिटेलिंग करनी है, किताब का रूप देना है, जो जो चीजें आ गई हैं उनकी डिटेलिंग करनी है, उसको बुक का एक रूप देना है। लाइव लेक्चर के फोल्डर में पॉलिटी, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो, हिस्ट्री के लेक्चर में जाओगे तो भी गांधी जी वाला लेक्चर, अंबेडकर वाला मिल जाएगा। अगर डॉक्टर अंबेडकर या गांधी जी के बारे में डिटेल में जानना है तो अपने फोल्डर में हिस्ट्री में जाओगे तो भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे मेरे चैनल पर चेक करोगे वहां मिल जाएगा। कोई और क्वेश्चन है किसी का? पॉलिटी के नोट्स अपने फोल्डर में जाओ, 2 फोल्डर पड़े होंगे उसमें देखो, फोल्डर ओपन करके देखो अमित, जितने फोल्डर हैं पहले वो ओपन कर लो, या अभी क्लास के बाद मैं जिस फोल्डर में नहीं होगा उसमें ऐड भी कर दूंगा। ठीक है क्लास, गुड नाइट, कल भी टाइम यही रहेगा आपका 6:30। ठीक है क्लास, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।